फाइल से लॉगिन करना है क्या? हाँ बता रहा हूँ, एक मिनट, पहले एक बार सेटल हो जाते हैं, थोड़ा फालतू का ये केओस हो गया। तो आपका आज का सिस्टम कितना देर चलेगा? आज का क्लास मैं ट्राई करूँगा 1.5 घंटे में रैप अप करने का, और पहले भी हो सकता है, बट थोड़ा टाइम तो लगेगा। सो गाइज, गुड इवनिंग बोलने से वियर्ड लगता है 9:30 बजे, बट या गुड इवनिंग। सो गाइज, वी आर गोइंग टू लर्न फायरबेस, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक बार फायरबेस पढ़ा था व्हेन आई वाज लाइक 2 साल हुए थे मुझे कॉलेज से निकले हुए, और फिर मैंने फायरबेस पढ़ा है लास्ट वीक, शायद उसके बाद आज थोड़ा सा, एंड आई कैन टेल यू इट्स सच अ पावरफुल थिंग। मतलब ट्रस्ट मी, आज आपको समझ में आ जाएगा कितनी पावरफुल चीज़ है, इतनी पावरफुल चीज़ है कि आज आप उसको सीखोगे और नेक्स्ट वीक तक आप खुद से व्हाट्सएप बना सकते हो, लाइक इतना इतना धांसू चीज़ है, ठीक है। सो आई शो यू फर्स्ट मैंने क्या बनाया आज, मेरी क्लासेस स्टार्ट होने के पहले, वही सेम चीज़ हम लोग रिक्रिएट करेंगे, ठीक है। सो लेट मी शो यू मैंने क्या बनाया आज फायरबेस यूज़ करके। मैंने एक टू डू लिस्ट ऐप बनाया, दिस इज़ द ऐप, और मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी में मैंने बनाया। सो ये एक टू डू लिस्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ से यू कैन ऐड अ न्यू टास्क, यहाँ पे आपको पेंडिंग टास्क दिखाई देंगे और यहाँ पे आपको कंप्लीटेड टास्क दिखाई देंगे, ठीक है। और ये सब कुछ डेटाबेस में स्टोर हो रहा है बाय द वे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रंट एंड पे है। इसलिए देखो, मैंने जब इसको ओपन किया तो ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली लोड लोड हुई, बिकॉज मैंने पहले से डेटाबेस में ऐड करके रखा है। सो लेट्स से मैंने बोला आई वॉन्ट टू रीड अ बुक टूडे, दिस इज माई टू डू लिस्ट। जैसे ही मैं ऐड टास्क पे क्लिक कर रहा हूँ, बोल रहा है टास्क एडिट, और वो यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे सारे ऑप्शन आ रहे हैं, व्यू, एडिट, डिलीट, डन। अब मैंने व्यू और डिलीट के ऊपर काम नहीं किया अभी, ये बटन्स बस वहां पर हैं, मैंने काम नहीं किया। डिलीट काम करता है, जैसे आप डिलीट कर रहे हो डिलीट हो जा रहा है, ठीक है। सो अगर आप रीलोड करोगे, नहीं है, ठीक है। और अगर मैं फिर से लिखूँ आई वॉन्ट टू रीड अ बुक टूडे, ठीक है, एड टास्क पे क्लिक किया, टास्क यहाँ पे आ गया, और अब ये टास्क रहेगा नहीं, ये देखो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बिकॉज ये डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है। तो ये डिलीट हो गया। अब देखो बेस्ट पार्ट क्या है, कि आप डन पे क्लिक करोगे तो ये टास्क यहां से हट जाएगा, इस जगह से हट जाएगा और कंप्लीटेड में चला जाएगा। ये देखो डन पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया, और अब ये स्टेट रिटेन्ड है। लाइक अगर मैं यहाँ पे जाऊं और रीलोड मारूं, ये देखो, तो दिस इज अ टू डू लिस्ट विच इज एक्चुअली यूजिंग अ डेटाबेस बिहाइंड द सीन्स, और आपका काम हो रहा है, ठीक है। अब इसमें आप एडिट फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हो, आप डिली आप व्यू फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हो, आप लॉग इन रजिस्ट्रेशन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप करोगे, ठीक है, आपका हैकाथॉन में यही होगा। आज का हैकाथॉन थोड़ा डीले हो गया, बिकॉज ये क्लास पढ़ाने के बाद मुझे हैकाथॉन कराना था, तो ठीक है, आज मैं पहले आपको पढ़ा देता हूँ, फिर रात में 12 बजे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम फायरबेस यूज करके ये पूरा काम करने वाले, ठीक है। सो गाइज, एक काम करो, स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, और ट्रस्ट मी, दिस इज काइंड ऑफ माई प्रॉमिस, नेक्स्ट वीक हम लोग व्हाट्सएप बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे को जब मैंने आज ये यूज किया ना, देन आई रियलाइज कि इससे व्हाट्सएप आप बहुत इजिली बना सकते हो, इट इज सो पावरफुल। चैटिंग वेबसाइट्स, चैटिंग सॉफ्टवेयर बहुत ईजिली बन जाएंगे, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। एक नया फोल्डर बनाओ अपने डेस्कटॉप पे, या कहीं पर भी एक नया फोल्डर बनाओ, कॉल इट, आई एम कॉलिंग इट टू डू, ठीक है, टू डू। एक नया फोल्डर बना लो टू डू, सबलाइम टेक्स्ट ओपन करो, और इस फोल्डर को ओपन कर लो। ये सब बेसिक स्टेप्स है। सबलाइम टेक्स्ट ओपन किया, और लेट्स गो टू फाइल, ओपन फोल्डर, और यहां से लेट्स गो टू डेस्कटॉप, और वहाँ से आई विल ओपन टू डू, ठीक है। और ये रहा मेरा फोल्डर गाइस, दिस इज माय फोल्डर, ठीक है। एक बार इतना सेटअप कर लो, यहाँ पर जल्दी से एक नया फाइल बना लो, सेव दिस फाइल एज index.html, और यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड ऐड कर दो, कॉल इट टू डू ऐप, ठीक है। इतना रेडी करके रखो गाइस, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और होपफुली आपको सब समझ में आएगा। सर आज आपका लैपटॉप इतना खाली खाली ही रहा। अरे मैंने बहुत क्लीन किया है, मैंने सारा का सारा जो मेरा फाइल्स था फालतू का वो सब हटाया, फिर भी कुछ नहीं चल रहा, एंड्रॉइड में फिर भी वैसे ही रो रहा था।
ओके गाइस, सेकंड स्टेप इज बूटस्ट्रैप ऐड करना है, जेक्वेरी ऐड करना है, ठीक है? सो एक काम करो, गूगल पे जाओ, क्रोम पे जाओ और सर्च करो, गेट बूटस्ट्रैप पे जाकर के बूटस्ट्रैप का कोड उठाना है, गेट स्टार्टेड, ये रहा मेरा सीएसएस का कोड, ये रहा मेरा सीएसएस का कोड और इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है? और सिमिलरली जेक्वेरी का कोड, jQuery CDN और इसको मैंने डाल दिया। इसका गाइस मिनिफाइड वर्जन यूज करना, ठीक है? दिस इज jQuery और इसको मैंने, गलत जगह पेश कर दीजिए, ये रहा jQuery और ये रहा बूटस्ट्रैप। ये हो गया गाइस, एक काम और कर लो, एक खुद का ये बना लो, app.js फाइल, बेसिकली आपका जावास्क्रिप्ट फाइल जो रहेगा, और उसको अपने jQuery फाइल के नीचे यहाँ पे लिख दो, स्क्रिप्ट src app.js, ठीक है? ये हम लोग सेटअप रेडी कर रहे हैं, अभी तक हम लोग सेटअप रेडी कर रहे हैं। सो या दिस इज द सेटअप, बूटस्ट्रैप आ गया, जेक्वेरी आ गया, बाकी आप लोग आराम से करना वो सब, फॉन्ट ऑसम वगैरह हम लोग अभी नहीं कर रहे, सिंपल रख रहे हैं, ठीक है? और लेट अस क्विकली बिल्ड दिस यूआई, ये जो यूआई है ना इसको जल्दी से रिक्रिएट कर लेते हैं। दिस इज द यूआई, बहुत सिंपल है, ये ऊपर कोल एमडी 12 है और उसके नीचे ये कोल एमडी 6 है, दो, ठीक है? ये हम लोग यूज कर लेते हैं जल्दी से। सो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वी आर क्रिएटिंग अ नैव बार, नैव बार को क्लास दे रहे हैं नैव बार, और इसके अंदर ए टैग में लिख रहे हैं टू डू ऐप, ठीक है? और इसको हम लोग क्लास दे रहे हैं नैव बार हाइफन ब्रांड और स्पेस दे करके हम इसको दूसरा एक क्लास दे रहे हैं टेक्स्ट वाइट, ठीक है? नैव बार को मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ बीजी डेंजर रेड कलर का, ठीक है? एंड गाइस दिस इज माई नैव बार, एक बार मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ, अभी तक ऐसा दिख रहा है, ठीक है? यहाँ तक आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है, एक बार जल्द मेक श्योर आप इतना कर लो, फिर हम इसके नीचे का कॉन्टेंट क्रिएट करेंगे, हो जाए तो डन लिखना, ठीक है? इतना ओके, ठीक है? यहाँ तक सब ठीक है? नाउ लेट्स क्रिएट अ कंटेनर, ये सब अब आपको बच्चों का खेल लगना चाहिए, इतनी बार कर चुके हो। डेव क्लास कंटेनर, कंटेनर के अंदर आई विल क्रिएट अ रो, क्लास रो, रो के अंदर आई विल क्रिएट थ्री डिव्स, फर्स्ट हो जाएगा कोल एम्प्टी 12, इसके नीचे वाला कोल एम्प्टी 6 और इसके नीचे वाला भी कोल एमडी 6, ये बना लो गाइस, ठीक है? पहले वाले में फॉर्म आएगा, दूसरे वाले में पेंडिंग टास्क आएगा, तीसरे वाले में कंप्लीटेड टास्क आएगा, ठीक है? बस इतना करना है आपको। चलो गाइस फर्स्ट वाले में घुसते हैं और फर्स्ट वाले में ये बनाते हैं हम लोग जल्दी से, ये बनाते हैं ये वाला पार्ट, ये बटन और ये इनपुट फील्ड, ठीक है? तो एक काम कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं, फर्स्ट वाले में घुस रहे हैं, यहाँ पे वी आर क्रिएटिंग इनपुट टैग टेक्स्ट और इसको एक क्लास दे रहे हैं फॉर्म कंट्रोल का,
ठीक है, और इसके नीचे वी आर दे करके वी आर क्रिएटिंग अ बटन जिसमें लिखा हुआ है एड टास्क, ठीक है। नाउ दिस बटन विल हैव सम क्लासेस बूटस्ट्रैप का btn ptn डेंजर, दैट्स इट, बस इतना है। और एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है और फिर उसके बाद आपको कोड करना। सो दिस इज आवर क्लास, दिस इज आवर फाइल, या समथिंग लाइक दिस, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो ऊपर से थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, MT5 मार्जिन टॉप 5, सो नीचे आ जाएगा पूरा चीज, ऐसा दिख रहा है गाइस अब, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर आपका इतना हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट डिव, अब हम लोग ऐसे ही सेकेंड और थर्ड डिव को करेंगे। गाइज एक बार इतना करके बताओ, डन लिखो, जब आपका पहला डिव का हो जाए फिर हम लोग दूसरा और तीसरा डिव बनाते हैं। या सो हो गया, ठीक है, चलो अब सेकंड वाला बनाते हैं। सो सेकंड वाले में घुस रहे हैं और यहाँ पे वी विल हैव टू क्रिएट अ कार्ड, ठीक है। सो कार्ड क्रिएट कर रहा हूँ मैं, डिव क्लास हो जाएगा कार्ड, और इसके अंदर हो जाएगा एक और डिव विद अ क्लास ऑफ कार्ड बॉडी, और कार्ड बॉडी के अंदर आई एम राइटिंग अ पी टैग, नॉट पी टैग, लेट्स राइट अ H5, H5 में लेट्स से अभी सैंपल कुछ लिख देते हैं। आई वांट टू लर्न कोडिंग, लेट्स से दिस इज टू डू, ठीक है। और इसके नीचे व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम क्रिएटिंग अ डिव, एक्चुअली इट्स ओके, डिव क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट ऐड टू बटन्स, डिलीट एंड कंप्लीट, ठीक है। सो एडिट और व्यू आप देखना, ठीक है। सो यहाँ पे आई एम एडिंग द फर्स्ट बटन विच सेज डिलीट, एंड देन वी कैन हैव, आप आइकन्स भी यूज कर सकते हो, बट मैं फॉन्ट ऑसम नहीं यूज कर रहा हूँ अभी। बटन डिलीट और यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ठीक है। और इनको हम लोग जल्दी से क्लास दे देते हैं, दिस इज btn, btn डेंजर बिकॉज इट्स काइंड ऑफ डिलीट, तो रेड कलर देते हैं, और btn स्मॉल, स्मॉल बटन चाहिए, ठीक है। और ये सेम क्लासेस कॉपी कर रहे हैं टू दिस वन, और यहाँ पे डेंजर के बदले आई एम राइटिंग सक्सेस एज इन ग्रीन, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है कोड। सो अगर हम रन करें इसको, सो या ऊपर से स्पेस नहीं है, तो ऊपर से स्पेस के लिए आप क्या कर सकते हो, इस ऊपर वाले को यू कैन गिव अ MB5 मार्जिन बॉटम 5, ऊपर वाले को मार्जिन बॉटम दे दिया और ऐसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। एक्चुअली सब कुछ वाइट है तो समझ में नहीं आ रहा, तो एक काम करो, बॉडी में बैकग्राउंड कलर दे दो, स्टाइल बैकग्राउंड कलर ई, उससे क्या होगा आपका पूरा का पूरा यूआई वुड लुक लाइक दिस। कुछ हुआ नहीं, बैकग्राउंड कलर ई से कुछ गड़बड़ किया गया, कार्ड तो सही है, अच्छा मेरे को दिख नहीं रहा, मेरा स्क्रीन सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है गाइस। सो या दिस इज आवर फर्स्ट, दिस इज आवर फर्स्ट ऑफ द डिव्स, और बाय द वे यहाँ पे मुझे कंप्लीटेड लिखना था, कहाँ पे लिखूं मैं कंप्लीटेड, चलो छोड़ो अभी कंप्लीटेड नहीं लिख रहा मैं, लेट इट बी लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट कार्ड with these buttons, ठीक है। एक बार जस्ट मेक श्योर आप इतना कर लो और करके गाइस एक बार डन लिखो, फिर हम लोग ये बना लेंगे सेकेंड वाला पेंडिंग टास्क। यहाँ तक सब सिंपल है, लेट्स क्रिएट वन मोर कार्ड, बेसिकली इस पूरे कोड को कॉपी कर लो और इस वाले डिव में पेस्ट कर दो लाइक दिस, ओके। और ये बटन्स हटा दो क्योंकि ये बटन्स का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सेव, और लेट मी शो यू कैसा दिखेगा।
देखो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो मेरा स्क्रीन जा रहा है एक्चुअली लग रहा है, ठीक है। जो भी है सब कुछ बहुत वाइट दिख रहा है मुझे, बट या दिस इज द थिंग। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, कंप्लीटेड पे क्लिक करोगे तो टास्क यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हमने पूरा कंटेनर बना लिया गाइस, कंटेनर इज रेडी, ठीक है। सो या सेटअप इज रेडी, जस्ट मेक श्योर आपका सेटअप रेडी हो जाए, और अब हम लोग डेटाबेस इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है, यहाँ तक करके डन लिखो, जब आपका पूरा का पूरा लेआउट रेडी हो जाए, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन जो फायरबेस का काम है। सो किसी को भी पता है फायरबेस क्या है? कोई किसी को भी आइडिया है व्हाट इज फायरबेस? नाम सुना होगा शायद। डेटाबेस है सर, इट्स अ डेटाबेस एक्चुअली, द रियल टाइम डेटा भी रखता है। रियल टाइम डेटाबेस क्या होता है, किसी को पता है व्हाट इज रियल टाइम डेटाबेस? सर अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो वो साथ साथ में चेंज हो जाता है। डेटाबेस अलॉन्ग विद द बैकएंड। सो अभी तक आप कोई भी बैकएंड वाला काम क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि आपके पास बैकएंड का नॉलेज नहीं है, अभी आपने नोड नहीं पढ़ा या पाइथन नहीं पढ़ा, तो आप नहीं कर सकते। तो गूगल ने क्या बोला कि हम आपको एक सर्विस देते हैं जहां पे आपको बैकएंड का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको डेटाबेस का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। उन लोगों ने बैकएंड प्लस डेटाबेस मिलाकर के एक सर्विस क्रिएट किया बाय द नेम ऑफ फायरबेस। सो फायरबेस इज अ डेटाबेस जिसके साथ कुछ फंक्शंस आते हैं, उन फंक्शंस को यूज करके आप डेटा फेच कर सकते हो, डेटा अंदर डाल सकते हो, ठीक है, और फिर आपको बैकएंड का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये जनरली ऐप डेवलपमेंट में यूज होता है, बट बहुत सारी कंपनीज इसको वेबसाइट डेवलपमेंट में भी यूज करती है, ठीक है। तो द बेस्ट पार्ट अबाउट फायरबेस इज कि फायरबेस इज अ रियल टाइम डेटाबेस, मतलब जो वहां पे होगा वो तुरंत आपके पेज पे दिखने लगेगा, तुरंत के तुरंत। अगर वहां से एक डेटा हटा तो यहाँ पे रीलोड करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हट जाएगा। दैट्स द बेस्ट पार्ट, ठीक है। तो इट इज रियल टाइम, और इसलिए मैंने आपको बोला कि चैटिंग ऐप बनाने के लिए इट्स अ परफेक्ट डेटाबेस। हम लोग इनफैक्ट नेक्स्ट वीक बनाएंगे, प्रॉपर चैटिंग होगा और आपको चैट्स आते हुए दिखाई देंगे। सो अगर वहां पे नया चैट ऐड हुआ तो आपको दिखने लग जाएगा कि उसने नया मैसेज भेजा, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इज दैट फायरबेस इज अ नो सीक्वल डेटाबेस। किसी को पता है व्हाट इज अ नो सीक्वल डेटाबेस? एसक्यूएल की जरूरत नहीं पड़ता, एसक्यूएल की जरूरत नहीं पड़ता। नो सीक्वल का मतलब होता है एसक्यूएल नहीं है, एसक्यूएल नहीं है मतलब, एसक्यूएल का मतलब होता है टेबुलर स्ट्रक्चर फॉलो करने वाला डेटाबेस। तो यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स नहीं होते, इंस्टेड यहाँ पे जेसॉन होता है। सो आपने जेसॉन बहुत बार देख रखा है, जेसॉन के स्ट्रक्चर में आप डेटा को स्टोर करते हो। इट्स अ नो सीक्वल डेटाबेस, जस्ट लाइक मोंगोडीबी जो आप कुछ दिनों के बाद पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो अब गाइस ज्यादा डिले नहीं करते, लेट्स गो टू फायरबेस का वेबसाइट। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू फायरबेस। मैं इस बाकी की चीजें हटा रहा हूँ, आप ये भी हटा रहा हूँ, ये भी हटा रहा हूँ, सब कुछ हटा रहा हूँ, एंड आई एम ओपनिंग दिस वेबसाइट firebase.google.com। ये वेबसाइट ओपन करो गाइस, firebase.google.com। ये वेबसाइट ओपन करो, आपके गूगल अकाउंट से लॉग इन करने को बोलेगा। अगर आपने ऑलरेडी नहीं कर रखा है तो वो कर लेना, और जैसे आप कर लोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा गो टू कंसोल का। जैसे मैं यहाँ पे लॉग्ड इन हूँ ऑलरेडी कैंपस एक्स के अकाउंट से, तो आप जल्दी से लॉग इन कर लो और आपको ऑप्शन आएगा गो टू कंसोल का। सो जस्ट मेक श्योर आप ये एक बार इस पर क्लिक करके कंसोल पे जाओ, वहीं पे सारा काम होता है। बहुत इंटीग्रेशन बहुत इजी है, बहुत ही स्मूथ है, लाइक गूगल ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है और अच्छा प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। तो बहुत इजीली इंटीग्रेट होता है, लाइक विद इन 10 मिनट्स आपका पहला वर्जन काम करने लग जाएगा, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर आप एक बार लॉग इन कर लो, और फिर जो ऑप्शन आ रहा है गो टू कंसोल, इस पर क्लिक करो। जैसे आप गो टू कंसोल पे क्लिक करोगे ना, आपको ये पेज दिखाई देगा, दिस इज द कंसोल ऑफ फायरबेस, दिस इज द कंसोल, ठीक है, दिस इज द कंसोल। अब यहाँ पे अगर आपके ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं तो दिखने लग जाएंगे, जैसे मैंने कभी पास्ट में बनाया था और अभी आज एक रिसेंटली बनाया। तो इफ यू हैव एनी प्रोजेक्ट इट्स ओके, अगर नहीं है तो फिर आप ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ गाइज आपका कि आप लोग लॉग इन करके इस पेज पे आ जाओ, इस पेज से ही मेन काम स्टार्ट होगा, यहीं पर हम लोग अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो यहाँ पर यू कैन सी आप तीन तरह के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, आप एंड्रॉइड के लिए प्रोजेक्ट बना सकते हो, आप iOS के लिए बना सकते हो, आप वेब के लिए बना सकते हो, एज इन जावास्क्रिप्ट के लिए बना सकते हो। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट वाला बनाएंगे, ठीक है। तो गाइज एक बार डन लिखना इस पेज पे आने के बाद, सो दैट मेरे को समझ में आए आप लोग का हो गया, फिर हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं अपना। ठीक है।
सो हो गया सभी का। अब देखो ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करो गाइस, ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, ये पेज आएगा और आपसे पूछेगा आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ठीक है। सो मेरे प्रोजेक्ट का नाम मैंने रखा टू डू कैंपस एक्स, ठीक है, टू डू कैंपस एक्स, दिस इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, ओके। एक बार प्रोजेक्ट का नाम दे दो और कंटिन्यू पे क्लिक करो। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपको ये ऑप्शन आएगा कि क्या आप गूगल एनालिटिक्स यूज करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। सो ये लोग और भी बंच ऑफ सॉफ्टवेयर देते हैं जो आप यूज कर सकते हो, इस पॉइंट पे वी डोंट नीड दैट, सो आप इसको डिसेबल कर दो, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स नहीं चाहिए हमें, इसको डिसेबल कर दो, ठीक है। दिस इज सेकेंड स्टेप, एंड द थर्ड स्टेप इज टू क्रिएट द प्रोजेक्ट। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे वो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा, अ प्रोजेक्ट विद द सेम, क्या प्रॉब्लम है, मैं कंप्लीटली नया कुछ बनाता हूँ, माई टू डू ऐप, ठीक है, माई टू डू ऐप कंटिन्यू किया, डिसेबल किया, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, और इट वुड क्रिएट योर प्रोजेक्ट नाउ, ठीक है। और ये सारा प्रोजेक्ट्स एक्चुअली आपके गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे बनता है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म इज जस्ट लाइक AWS बट गूगल का, ठीक है। और ये देखो बोल रहा है योर प्रोजेक्ट इज रेडी, ठीक है, सो यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे इस पेज पे, ठीक है, इस पेज पे पहुँच जाओगे, और इस पेज में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ऑथेंटिकेशन, क्लाउड फायर स्टोर, रियल टाइम डेटाबेस, स्टोरेज, होस्टिंग, फंक्शंस, मशीन लर्निंग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, बट आपको मतलब है इससे, रियल टाइम डेटाबेस से, ठीक है, रियल टाइम डेटाबेस। इस पेज पे एक बार पहुंच जाओ गाइस, एक बार इस पेज पे पहुंच जाओ, और फिर हम क्या करेंगे, हम रियल टाइम डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस रियल टाइम डेटाबेस, एंड वॉट दिस विल डू इज इट विल क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट डेटाबेस का, तो हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो रियल टाइम डेटाबेस पे क्लिक किया और यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस के ऊपर क्लिक किया, और ये अब दो ऑप्शन दे रहा है, स्टार्ट इन लॉक्ड मोड, स्टार्ट इन टेस्ट मोड, ठीक है। सो गाइस जस्ट मेक श्योर आप स्टार्ट इन टेस्ट मोड करो, ठीक है, स्टार्ट इन टेस्ट मोड करो। ठीक है, स्टार्ट इन टेस्ट मोड, क्लिक ऑन इनेबल, और ये आपका डेटाबेस क्रिएट कर देगा। जी रहा गाइज आपका डेटाबेस, दिस इज योर डेटाबेस, ठीक है, दिस इज योर डेटाबेस, डेटाबेस बन गया। ठीक है, एक बार इतना कर लो। अब हम क्या करेंगे, इसमें डेटा ऐड करेंगे, इसमें हम लोग डेटा ऐड करेंगे अब, ठीक है। और वो डेटा ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार यूसेज पे जाओ, यूसेज पे तो नहीं, डेटा पे जाओ, एक पूरा का पूरा लाइब्रेरी मिलता है, वो लाइब्रेरी कहाँ से मिलता था जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट मोड, शालिनी टेस्ट मोड, स्टार्ट इन टेस्ट मोड, फायरबेस का लाइब्रेरी, फायरबेस लाइब्रेरी सर वो स्टार्ट में था, कहाँ पे स्टार्ट में था, तो जहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट है वहाँ पर वेब बल्क ऑप्शन है, वेब में क्लिक करने के बाद वहाँ पर एक मिलेगा सर, थोड़ा धीरे थोड़ा धीरे धीरे सर, SDK यहाँ तक हो गया क्या, अभी तक का पीछे हो गया क्या, अभी तक हुआ, हाँ अब होगा, अब आप थोड़ा धीरे धीरे कीजिए, ठीक है, ओके, थोड़ा सा ठीक है, ओके। फायरबेस एक मिनट, वो यार firebase.google.com वो लाइब्रेरीज छूट गई पीछे, लाइब्रेरीज एक बार देखते हैं, गेट स्टार्टेड कंसोल में कहाँ पे मिल रहा था लाइब्रेरीज, यहाँ पे शुभदीप यहाँ पे था क्या, हाँ सर, हाँ सर, आप पहले प्रोजेक्ट में क्लिक कीजिए एक बार, हाँ ऊपर नहीं जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाँ वो वाला एम्बेड, हाँ क्लिक किया, हाँ अब उसको बताना चाहिए वो कहाँ है, ऊपर ये ऐड में, गेट स्टार्टेड, हाँ गाइस एक काम कर लो गाइस, मैं आपको देता हूँ ये मैं पूरी लाइंस आपको देता हूँ, अच्छा ये हमने किया ही नहीं यार, ठीक है एक काम करो गाइस, एक बार पीछे जाओ इस पेज में, आपको एक बार अपना ऐप रजिस्टर करने से क्या मिलेगा, आपको
एक कोड मिलेगा, वो कोड आपको चाहिए। पीछे जाएंगे जरा, ओके एक काम करते हैं, मैं कॉपी कर लेता हूँ। वेब ऐप इज टू डू, ये रजिस्टर करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रजिस्टर ऐप, व्हाट दिस विल गिव इज इट विल गिव मी सम कोड, मैं आपको कोड पेस्ट करके देता हूँ, आपको कोड से मतलब है बस। तो लेकिन सबका अलग होता है वो नाम उस कोड के अंदर। अरे हाँ यार, अरे शिट सर, ये लीजिए, मैं सर एक ही बस नाम चेंज करना है, जो निकनेम रखे हैं उसको बस चेंज करना है। यहाँ से आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाई देगा, दिख रहा होगा आई गेस। ठीक है, दिख रहा है। अब अपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, ऐसे नहीं आ रहा यार, कहाँ गया वो? तो एकदम ऊपर वन ऐप में क्लिक कीजिए, पहले जो वन ऐप लिखा हुआ ये वन ऐप, हाँ सर यहाँ पर, यहाँ पे एक बार क्लिक करो आप लोग। हाँ वो वाला सेटिंग्स, सेटिंग्स, सेटिंग्स में गए, अब नीचे सीडीएन मिल जाएगा, नीचे आइए सीडीएन है नीचे। ये हाँ, हाँ गाइस देखो क्या करना है आपको, मैं फिर से बताता हूँ। जो लोग यहाँ पे आपने किया, ये आपका पेज ओपन हुआ firebase.google.com पे। यहाँ से अपने प्रोजेक्ट में जाओ, ये एक्चुअली पहले रजिस्टर करना चाहिए था। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आ रहा है वन ऐप, ठीक है, वन ऐप का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करो। और यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा सर, आपने रजिस्टर कर लिया ना इसलिए वन ऐप के वो। हाँ सर वो कोड मिल गया तो कॉपी कर लो, अगर नहीं आ रहा है तो गाइस मैं दोबारा से क्रिएट कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ बना लो। जिनको भी प्रॉब्लम हो रहा है, जिनको कोड मिल गया फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनका नहीं हुआ मेरे साथ दोबारा कर लो, ठीक है। मैं क्रिएट कर रहा हूँ माई सेकेंड टू डू ऐप, ये मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा बड़ा हो गया क्या? एक काम करता हूँ, कुछ और नाम रखता हूँ, टू डू इस्ट ये नाम है, ठीक है, मेरे ऐप का ये नाम है, ठीक है। नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये नाम है, कंटिन्यू पे क्लिक किया। सेकेंड स्टेप में इसको डिसेबल किया, ये सब क्लियर था। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे, गलती नहीं करेंगे। नहीं नहीं गाइस, ये किसने पेस्ट किया यार, ये अलग अलग होगा सभी का। शुभदीप ये तो अलग अलग होगा ना सभी का? हाँ सर, वो जो प्रोजेक्ट आईडी है उसको बस चेंज करना जो आप। नहीं नहीं नहीं, उतना छोड़ दो यार, अभी नया नया मैं कंफ्यूज हो जाएगा सभी। हाँ सर, नया कर लीजिए, मत यूज करना, अपना अपना यूज करो। देखो फिर से आप कंटिन्यू पे क्लिक करो और आप इस पेज पे पहुंचोगे, इस पेज पे पहुंचोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है अपने आप को। सो ये पेज पे एक बार आ जाओ, ये पेज पे एक बार आ जाओ, और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस हैं कि आपको iOS का ऐप बनाना है, एंड्रॉइड का ऐप बनाना है, या वेब का ऐप बनाना है, ठीक है। सो यहाँ पे इस पेज पे आने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन वेब, ठीक है। सो आई एम क्लिकिंग ऑन वेब, और यहाँ पे बोल रहा है आपके ऐप का निकनेम बताओ। सो कुछ भी नाम रख दो, टू डू इस्ट रख दिया मैंने नाम, टू डू इस्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है ऑल्सो सेटअप फायरबेस होस्टिंग फॉर दिस ऐप, नहीं करना है अभी हम लोग को, होस्ट नहीं करना है इस ऐप को, सो छोड़ दो इसको, ठीक है, नहीं कर रहे इसको। और बस रजिस्टर ऐप पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको एक कोड मिलेगा, दिस इज द कोड गाइस, दिस इज द कोड। इस कोड में एक्चुअली सभी का एपीआई की अलग है, डेटाबेस यूआरएल अलग है, सब कुछ अलग अलग है, इसलिए आप दूसरे का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, इस पूरे कोड को कॉपी कर लो और फिर वापस आ जाओ, इस कोड को कॉपी करो। आई गेस इस पॉइंट पे आप किसी को प्रॉब्लम नहीं है, इस कोड को कॉपी करो और अपने कोड में आओ, app.js में जा करके इस कोड को पेस्ट कर दो। नहीं, app.js में जा करके पेस्ट नहीं कर सकते आप, यहाँ पे पेस्ट कर दो गाइस, नीचे HTML को इस जगह पे पेस्ट कर दो।
इसके ऊपर पेस्ट करना, ऐप डॉट जेएस के ऊपर करना, ठीक है, क्योंकि ऐप डॉट जेएस इसको यूज करेगा, तो ऐप डॉट जेएस अगर पहले आ जाएगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, ऐप डॉट जेएस के ऊपर करना है, जे क्वेरी के नीचे करना है, ठीक है, सो मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ लाइक दिस, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, एक बार जस्ट मेक श्योर गाइज आपने ये कर लिया, जस्ट मेक श्योर आपने ये कर लिया, ठीक है, ये सेटअप का थोड़ा सा लफड़ा है, अदरवाइज उसके बाद इजी है, ठीक है, सो एक बार जस्ट मेक श्योर गाइज इतना हो गया, और एक बार डन लिखो, आपने इतना पूरा पेस्ट कर दिया, यहाँ तक सब ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक और जेएस फाइल का जरूरत पड़ेगा, एक्चुअली यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग जेएस फाइल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एड एसडीकेस फॉर फायरबेस प्रोडक्ट्स दैट यू वांट टू यूज, ठीक है, और वो आपको इस जगह से मिलेगा, इस यूआरएल से, इस यूआरएल को कॉपी करो, इस यूआरएल को कॉपी करो और एक बार क्रोम में पेस्ट कर दो, यहाँ से आपको एक और फाइल का लिंक मिलेगा, मैं बताता हूँ कौन सी फाइल का, ये प्रोडक्ट जब ये पेज जब ओपन होगा तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे ये रहा ऑप्शन, सो देर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ऑथेंटिकेशन अलग प्रोडक्ट है, फायरबेस अलग प्रोडक्ट, फायर स्टोर अलग प्रोडक्ट है, आपको जो चाहिए है वो है डेटाबेस वाला, सो डेटाबेस वाला कहाँ से मिलेगा, इस जगह से, इस जगह से, यहाँ पे देखो सारे लाइब्रेरीज का नाम है, मुझे इनमें से चाहिए है, सर ये सब के सेम होता है क्या, JS from CDN, ये वाला चाहिए गाइस, हमें चाहिए है डेटाबेस का, डेटाबेस का दिख रहा है क्या कहीं पे, फायरबेस फंक्शंस, फायरबेस परफॉर्मेंस, ये वाला गाइस, दिस इज द फाइल, मैं कॉपी करके आपको चैट में दे रहा हूँ, दिस इज द फाइल, ये फाइल आपको चाहिए, ये मैं पेस्ट कर रहा हूँ, इसको यूज कर लो आप डायरेक्टली, अगर आप कन्फ्यूजन हो रहा है आपको तो इसको पेस्ट कर लो, इसको आपको उठाना है और इस जगह पे पेस्ट करना है, इसके जस्ट नीचे ऐप डॉट जे एस के जस्ट नीचे इस जगह पे, ठीक है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे फायरबेस डेटाबेस लिखा है, यहाँ पे फायरबेस ऐप लिखा है, दैट्स द ओनली डिफरेंस, ये देखो बस उसके जस्ट नीचे पेस्ट कर दो, और अब इस लाइन को हटा दो, इसका ज़रूरत नहीं है, क्लीन करते हैं, और या वी आर सॉर्ट ऑफ रेडी नाउ, हमारे पास सारा कुछ आ गया, हमारे पास सारा कुछ आ गया गाइस, जस्ट मेक श्योर आपकी सारी फाइल्स यहाँ पर आ गई, ये रहा, ये दो फाइल्स हो गई, एक फायरबेस ऐप, एक फायरबेस डेटाबेस, ये आपका पूरा स्क्रिप्ट है, इसी में आप काम करोगे, और लास्ट में ये आपका ऐप डॉट जे एस है, ठीक है, अब एक काम करो, हम लोग को सारा कोड ऐप डॉट जे एस में करना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पूरा कोड है, इतना कोड, इतना जो कोड है, देखो एक बार, इतना जो कोड है, इस कोड को मैं कट कर रहा हूँ और मैं इस स्क्रिप्ट को हटा रहा हूँ, ठीक है, ये देखो मैंने क्या किया, मैंने क्लीन कर दिया पूरी चीज़ को, अब सिर्फ ये दो फायरबेस की फाइल्स हैं और एक मेरी खुद की फाइल है, और ये जो कोड है इसको मैं उठाया और ऐप डॉट जे एस में लिख दिया, कैसे, ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया लाइक दिस, ठीक है, अब मैं सारा काम इस फाइल के अंदर करूंगा, ठीक है गाइज, इतना कर लो, अभी तक हम सेटअप ही कर रहे हैं, बट दिस सेटअप इज इम्पॉर्टेंट, सो यहाँ पे बहुत क्लीन हो गया, यहाँ पे दो फाइल्स है फायरबेस की और मेरा खुद का फाइल है सबसे नीचे, सो सबसे ऊपर jQuery, उसके नीचे फायरबेस, उसके नीचे मेरा खुद का फाइल, और उसके अंदर मैंने ये कोड लिखा है, ये जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन का कोड है, ठीक है, सो गाइज एक बार इतना कर लो, अब हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको जल्दी से दिखाऊंगा हाउ टू ऐड समथिंग इन योर डेटाबेस क्विकली, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, एक बार गाइज इतना करके डन लिखो, अगर आप यहाँ तक हो गए तो अब आपका कॉन्फ़िगरेशन इज रेडी, अब आप चीज़ों को यूज कर सकते हो, ठीक है, तो सर वो CDN डेटाबेस का क्यों लाए, इससे क्यों नहीं होगा, मतलब ये कंप्लीट जो CD, ये कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, अब क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो फायरबेस का स्ट्रेटजी ये है कि एक सिंगल जावास्क्रिप्ट फाइल में अगर सब कुछ लिख देंगे तो वो फाइल बहुत बड़ा हो जाएगा और उसमें सब चीज़ों का यूज नहीं है, इसलिए उन लोगों ने बोला कि तुम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसका जेएस फाइल अलग से लोड करो, सो दैट बहुत बल्की ना हो जाए एक सिंगल जेएस फाइल, और ये फाइल मेन काम करता है, कॉन्फ़िगरेशन वाला काम करता है और डेटाबेस रिलेटेड सारा काम ये फाइल करता है,
दैट्स द थिंग, बस यही है. सो गाइस सेटअप अगर रेडी है तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा डेटाबेस ये रहा बाय द वे, यहाँ पे वापस जाओ, इसको मैं बंद कर रहा हूँ. और यहाँ से अगर आपको ये कोड यहाँ से मिला था तो एक बार कंटिन्यू टू कंसोल कर दो. कंटिन्यू टू कंसोल कर दिया, यहाँ पे आप आ गए और यहाँ से अब आप रियल टाइम डेटाबेस में चले जाओ. रियल टाइम डेटाबेस में, इस जगह से रियल टाइम डेटाबेस में चले जाओ जैसे हम लोग लास्ट टाइम गए थे. और यहाँ पे एक नया डेटाबेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है. सो क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, स्टार्ट इन टेस्ट मोड, ठीक है, और इनेबल पे क्लिक कर दो और आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा. अब हम इस डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करेंगे. अब थोड़ी देर में आप देखोगे आप इसके अंदर वैल्यूज पुश कर पा रहे हो, इंसर्ट कर पा रहे हो. ये आपका डेटाबेस, दिस इज योर डेटाबेस गाइस, दिस इज योर डेटाबेस, ये आपका डेटाबेस का नाम है, ठीक है. सो जस्ट मेक श्योर ये पूरा सेटअप रेडी है. अब हम क्या करेंगे, एक वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है. सो लेट मी शो यू कैसे करोगे आप ये काम, ठीक है. आई एम अज्यूमिंग आपने ये डेटाबेस क्रिएट कर लिया. सो लेट्स गो बैक एंड लेट्स राइट द कोड. सो आपको ये कोड लिखना है, लेट हम ऐड कर रहे हैं टू डू. तो लेट्स टू डू, लेट टू डू एक वेरिएबल बना रहे हैं, लेट टू डू इज इक्वल टू फायर बेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफ टू डू. एक बार ये लिखो गाइस. हमने क्या किया, एक रेफरेंस क्रिएट किया हमारे फायरबेस डेटाबेस का और उसका नाम है टू डू, ठीक है. और उसको हमने इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक है, इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक है. और फिर हमने ये कोड लिखा, लेट टू डू रेफ इज इक्वल टू टू डू डॉट पुश और यहाँ पे आई पास एन ऑब्जेक्ट. और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा टास्क Read a book. और second status pending. बस ये कोड लिखो गाइस. I know थोड़ा सा weird लग रहा होगा ये कोड, पर सिर्फ दो लाइन का कोड आपको लिखना है, बस that's it. बस ये दो लाइन का कोड लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है. और इसको सेव कर लो गाइस, इसको सेव कर लो. एक बार इतना कोड लिख के डन लिखो थोड़ा. बहुत सिंपल सा कोड है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में. बट अब एक काम करते हैं, वापस जाते हैं अपने पेज में, ये रहा मेरा पेज, और इसको एक बार रीलोड करते हैं, ठीक है. इसको एक बार रीलोड करते हैं, देखो इसको एक बार रीलोड किया, कुछ नहीं हुआ. बट यहाँ पे जाओ और यहाँ पे देखो, टू डू बोल के एक टेबल बन गया. ये आपका डेटाबेस था, उसके अंदर काइंड ऑफ एक टेबल बन गया. और उस टेबल के अंदर यू वुड सी एक आईडी के साथ आपका पहला टास्क ऐड हो गया, स्टेटस पेंडिंग टास्क रीड अ बुक. दैट्स इट, बस इतना करना था. देखो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, अगर मैं वापस जाऊँ और यहाँ पे कुछ चेंज कर दो, राइड अ बाइसाइकिल, ठीक है, समथिंग लाइक दिस. फिर से जाके मैं रीलोड करता हूँ, फिर से जाके मैं रिलोड कर रहा हूँ. और अब यहाँ पे देखो सेकंड आ गया विद अ डिफरेंट आईडी, देख रहे हो, दिस इज लाइक जेसॉन, जेसॉन, राइट. सो ये मेरा पेरेंट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये मेरा की है, और उस की के अंदर यू कैन सी दिस इज द ऑब्जेक्ट, की वैल्यू पे, की वैल्यू पे, राइट. और तो आप जितनी बार रिलोड करोगे उतने ज़्यादा आइटम्स ऐड होते जाएंगे, एंड दैट इज हाउ यू ऐड आइटम्स. एक बार ट्राई करके देखो इस कोड को. So, इस लाइन में आप क्या कर रहे हो, इस लाइन में आप एक तरीके से बोल सकते हो कि आप टेबल बना रहे हो. एक्चुअली आप यहाँ पे टेबल्स नहीं बनाते हो, यहाँ पे टेबल्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहाँ पे आप ब्रांचेस क्रिएट करते हो. सो एक ट्री की तरह है, उसके अंदर आपने टू डू बोल के एक ब्रांच क्रिएट किया, और उस ब्रांच के अंदर आप फिर से लीव्स एड कर रहे हो लाइक दिस. ये एक लीफ हुआ, एक नोड हुआ, ठीक है. सो आपने बनाया टू डू विच इज काइंड ऑफ अ टेबल, अ ब्रांच, और फिर आपने टू डू रेफरेंस बनाया जो उस टू डू से बात कर सकता है. सो टू डू डॉट पुश किया उसने, और उसने ये ऑब्जेक्ट पुश कर दिया. दैट्स इट, बस इतना ही करना है गाइस आपको, दैट्स इट, बस इतना ही करना है, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग टास्क ऐड करना सीखेंगे. सो गाइस जस्ट मेक श्योर आपका ये कोड काम कर रहा है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं. जो टास्क हम वहां पे डालेंगे पेज में,
क्या काम नहीं किया सर? काम नहीं किया सर, ऐड नहीं हुआ। हाँ सर, ऐड नहीं हुआ मेरा भी, ऐड नहीं हुआ। एक बार राइट क्लिक करके कंसोल पे जाओ, देखो कुछ एरर आ रहा है क्या। यहाँ पे कंसोल में जाके देखो, कुछ एरर आ रहा है तो उससे समझ में आएगा। कंसोल में अगर कुछ एरर है तो बताओ। क्या बोल रहा है? अन कोड सही से, कोड में कोई इशू होगा। कोड एक बार सही से लिखो। Meanwhile guys, चलो कितने लोगों का नहीं हो रहा है एक बार चैट में टाइप करके बताओ। Firebase config is not defined, मेरा एरर आ रहा है। Firebase config is not defined यार, एक बार यार ये सेटअप एक बार चेक कर लो यार आप। ये वाला कोड ऊपर होना चाहिए, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज द Firebase config ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट। यही कुछ लोगों का एरर कर रहा है, ये एक बार देख लो। और उसके बाद बस ये 3 लाइंस का कोड है, मतलब इसमें ज्यादा गलती नहीं होने का चांस है। अभी सब किया हुआ है सही से। ठीक है, काम करते हैं। मैं डेटा ऐड करना सिखा देता हूँ, उसके बाद वापस आके मैं डिबगिंग करता हूँ। ठीक है, सो एक बार ध्यान से देखो पहले, जिन लोगों का हो गया वो लोग देखो और जिनका नहीं हुआ वो भी कोड लिखो। ठीक है, क्या करना है आपको? आपको ये करना है कि अब आपका यूजर जो टाइप करेगा यहाँ पे, जो टाइप करेगा और जैसे वो ऐड पे क्लिक करेगा तो ये इस चीज को उठा करके यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, फॉर नाउ मैं एक काम कर रहा हूँ, ये सारा डेटा डिलीट कर रहा हूँ। देखो आई कैन डू दैट। यहाँ पे देखो बगल में क्रॉस का बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे, डिलीट पे क्लिक करोगे, सारा का सारा आपका डेटा हट जाएगा और आपका डेटा बेस वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, करके देख लो एक बार। अब गाइज यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से टेक्स्ट को उठा करके मुझे वापस फायरबेस में ऐड करना है। कैसे करूंगा मैं, ध्यान से देखो। आई विल गो ऑन टॉप एंड ओवर हियर I will do this. इसको, इस input को मैं एक ID दूंगा, task input का। यहां से मुझे task input मिल रहा है, ठीक है? और इस button को मैं एक ID दूंगा, add task का। ठीक है, ये दो IDs दे दो, ये दो IDs दे दो, task input और add task। सिंपल है, अभी तक कुछ खास नहीं है। यहाँ तक इट्स इजी। अब देखो मैं वापस जा रहा हूँ app.js में और इस जगह पे मैं ये वाला कोड हटा रहा हूँ, ये वाला कोड, ये वाला कोड अभी मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, अभी बस मैंने डेटाबेस क्रिएट किया, उसको इस वेरिएबल में डाल दिया टू डू, और अब मैं यहाँ पर कोड लिख रहा हूँ $#addTask.click। अगर ये क्लिक होता है तो आई ट्रिगर अ फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, जहां पे लिखा हुआ है अलर्ट हेलो, जस्ट टू चेक सब कुछ सही से काम कर रहा है। ठीक है, मैंने बस इतना कोड लिखा भी, एट टास्क डॉट क्लिक फंक्शन अलर्ट हेलो, सिंपल सा कोड। एक बार ट्राई कर लो ये वाला कोड, बस कुछ नहीं होगा, बटन के क्लिक पे आपका पॉपअप निकल के आएगा, दैट्स इट, बस इतना ही कोड है। Let me show it to you. So I'm going back. I'm reloading. Click किया, pop up आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है सबसे पहले, obviously मुझे print नहीं करना। What I have to do is I have to fetch user ने क्या type किया। So I would write let task is equal to $#task, क्या नाम था यहाँ पे, task input, task hyphen input डॉट टेक्स्ट मैंने फेच कर लिया। ठीक है, ये रहा मेरा टास्क, दिस इज माई टास्क। ठीक है, अब बस मुझे इसी टास्क को उठा करके डेटाबेस में ऐड करना है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट लेट टू डू रेफरेंस ऑब्जेक्ट, दिस इज इक्वल टू टू डू डॉट पुश, और पुश के अंदर आई हैव टू पास दिस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में मैं क्या पास करूंगा, टास्क का वैल्यू टास्क और स्टेटस का वैल्यू पेंडिंग, एंड दैट्स द कोड गाइस, दैट्स द कोड। और इसको करने के बाद आप अलर्ट प्रिंट कर दोगे, टास्क एडेड लाइक दिस, एंड दिस इज द कोड, दैट्स इट। बस इतना करना था टास्क ऐड करने के लिए।
एक बार ट्राई करो ये कोड. Let me show you कैसे काम कर रहा है. So I'll go to the browser और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ read a novel. ठीक है, add task पे क्लिक किया, देखो बोल रहा है task added. यहाँ पे आए, ये देखो task add हो गया. अरे task empty क्यों आ रहा है, task empty क्यों आ रहा है. किसी को समझ में आ रहा है टास्क एम्प्टी क्यों आ रहा है. टास्क इनपुट लिया उसका बिकॉज दिस इज अ इनपुट फील्ड ना, दिस इज अ इनपुट फील्ड, तो इससे वैल्यू फेच करने के लिए आपको वैल लिखना पड़ेगा. सो सॉरी, यहाँ पे वैल होगा, यहाँ पे वैल होगा गाइस. ठीक है, अब एक बार ट्राई करते हैं. इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट, और अब फिर से रन करते हैं एक बार. I want to read a novel. Add task, task added. यहाँ पे गए और ये रहा read a novel pending task. ठीक है, so ये add हो गया guys. ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आया जी है. अच्छा ये पहले से था, सॉरी. या गाइस इतना कर लो, और इसके बाद एक काम और कर लो. यहाँ पर ये जो अपना टास्क इनपुट है ना, इसको एम्प्टी कर दो बाय पुटिंग दिस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. एम्प्टी हो जाएगा. ठीक है, और हमारा पहला मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, टास्क डेटाबेस में ऐड हो रहा है. ठीक है, मैं एक दो टास्क और ऐड करके दिखा देता हूँ. आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू कोड. ठीक है, ऐड टास्क, टास्क एडिट, यहाँ पे जा रहे हो, ये देखो लर्न हाउ टू कोड, टास्क ऐड हो रहा है बट स्टेटस ऑफ पेंडिंग. ठीक है, सो गाइस जस्ट मेक श्योर आपका टास्क ऐड हो रहा है. दिस इज आवर फर्स्ट मॉड्यूल, एक मॉड्यूल काम कर रहा है. अब हम लोग सेकेंड मॉड्यूल पे जाएंगे, हम लोग सारे के सारे जितने भी टास्क वहाँ पर हैं उनको हम डिस्प्ले करवाएंगे इस एरिया में, इस एरिया में हम डिस्प्ले करवाएंगे. ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है. सो एक बार गाइस जस्ट मेक श्योर आपने इतना कर लिया. और अब बताओ गाइस किसका किसका प्रॉब्लम हो रहा है. टाइप करके बताओ जितने भी लोग हो यहाँ पे, एक बार बताओ और किसका एरर आ रहा है. और किसी का नहीं है शायद, तुम्हारा अकेले का है शुभदीप. हाँ सर, पता नहीं कैसे हो रहा है. करो स्क्रीन शेयर, पृथ्वी का भी हो रहा है. बताओ सर. एक बार मेरे को index.html दिखाना. app.js है, database.js है, ऊपर jQuery है, और सबसे लास्ट में app.js भी है. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. app.js में जाना दोबारा, थोड़ा कंट्रोल प्लस प्रेस करना, कंट्रोल प्लस मैक्सिमम वो साइज बढ़ाना फॉन्ट का. कंट्रोल प्लस प्रेस कर, एक दो बार और प्रेस कर. हाँ सही है, छोड़ दे अब. So where सब कुछ सही है. Firebase initialize app, let to do Firebase database ref to do add task click. तेरा ऊपर वाला document close कहाँ हो रहा है? सर नीचे नहीं पता मेरे को कहाँ हो रहा है वो close. सर ये वाला ना, वो नहीं है, वो है क्या? हाँ सर,
तो फिर ये अलर्ट टास्क एडिट किसका है, लाइन 24 किसका है? सर इसी के अंदर, अच्छा वो तो इस तरह का लगा के, नहीं नहीं उसके अंदर नहीं होगा, तूने एक एक कम लगाया नीचे इसका एक और होगा। हाँ कर्ली ब्रैकेट और वो, हाँ स्मॉल ब्रैकेट, हाँ अभी एक रन कर एक बार, पता नहीं इससे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कुछ भी टाइप करके करना। हाँ राइट क्लिक नहीं आ रहा तेरा, एक बार राइट क्लिक करके दिखा क्या एरर है कंसोल में जाके। सेमी कॉलन का एरर है, देख सेमी कॉलन कहाँ बोल रहा है, app.js पे क्लिक कर, लाइन नंबर 21 पे एरर बोल रहा है, लाइन नंबर 21 देगा, 21 क्या एरर है यहाँ पे, टास्क कॉलन, हाँ सेमी कॉलन क्यों लगा है लाइन 21 पे, वो कॉमा लगेगा, लाइन 21 पे कॉमा लगेगा। अब कर सेव और रन कर फिर से, जाके देख नहीं हो रहा कुछ, और फिर से कुछ प्रॉब्लम है तेरा डेटाबेस का सेटअप में, कोई प्रॉब्लम है थोड़ा फिगर आउट करना, ऐसे टाइम जाएगा बहुत, बाकी लोग वेट कर रहे हैं, थोड़ा फिगर आउट कर खुद से, नहीं होगा तो फिर देखेंगे क्लास के बाद। बाकी लोग गाइस जिनका हो रहा है बढ़िया, पृथ्वी शहर देखते हैं थोड़ी देर के बाद, थोड़ा रात ज़्यादा हो गया ना तो एक बार फोकस करते हैं काम करने के ऊपर और देखते हैं कैसे करना है उसको, ठीक है। सो या गाइस अभी तक हमारा इतना काम हो रहा है कि हमारा जो भी हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। सो आई वॉन्ट टू लर्न टू स्विम, ये मेरा नेक्स्ट टू डू है, ऐड टास्क पे क्लिक किया, ये क्लियर हो जा रहा है और यहाँ पे ऐड हो जा रहा है, ठीक है। सो ये मेरा डेटा क्लियर ऐड होता जा रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये सारा डेटा यहाँ पे दिखाना है इस कार्ड में, लाइक कार्ड बाय कार्ड दिखाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसमें जाइए ना, क्या डेटाबेस में एक बार जाइए, रियल टाइम डेटाबेस में एक बार जाइए, हाँ इसका जो रूल्स है उसमें एक बार क्लिक कीजिए। तेरा क्या, तूने टेस्ट मोड में लिखा था क्या, तेरा अलग होगा फिर? अरे सर मेरा पूरा अलग है, मेरा फॉल्स किया हुआ रीड राइट दोनों। हाँ तूने फिर लॉक मोड में खोला, सायन तुम भी एक बार चेक कर लो, पृथ्वीश तुम भी एक बार चेक कर लो, ये मैंने पेस्ट कर दिया मैंने, इसको उठा ले, बाकी दोनों भी यार एक बार देख लो। ओके गाइस बाकी लोग यहाँ पे देखो, बाकी लोग यहाँ पे देखो, हमें क्या करना है, ये कार्ड के फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले करना है इस जगह पे, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू इज, ध्यान से देखना, ये काम जो होगा ना, ये पेज लोड होते होगा, लाइक सोचो ना, मतलब जैसे पेज लोड होगा सारे के सारी चीजें दिखने लग जाएंगी, तो इसके लिए मुझे कोई ऑन क्लिक लिसनर नहीं चाहिए, ठीक है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज, आई नीड टू राइट दिस कोड, ध्यान से देखना, आई नीड टू राइट टू डू डॉट ऑन, टू डू डॉट ऑन एक फंक्शन होता है मेरा डेटाबेस के पास, ये ऑप्शन फंक्शन है, ऑन क्लिक, क्लिक नहीं सॉरी वैल्यूज कॉमा, दिस इज अ कॉल बैक फंक्शन जिसको एक स्नैपशॉट मिलता है डेटा का, इसको स्नैपशॉट बोलते हैं। तो हर पॉइंट पे आपके पास स्नैपशॉट रहता है और यहां पे आप लिख रहे हो कंसोल डॉट लॉग ऑफ स्नैपशॉट डॉट वैल। गाइज एक बार ये कोड लिखो। सो आपने क्या किया, ये आपके पास एक फंक्शन है टू डू डॉट ऑन, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज देने का मतलब है आप क्या बोल रहे हो कि मुझे सारी वैल्यूज निकाल करके दो डेटाबेस में, और आप फिर एक कॉल बैक फंक्शन लगा रहे हो और उस कॉल बैक फंक्शन को ये स्नैपशॉट मिल रहा है डेटा सेट का, इसमें सब कुछ सारा डेटा है, ठीक है, और आप उसका सारा वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हो। देखो कोड थोड़ा नया लगेगा बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी इजी, एक दो बार करने के बाद बहुत इजी लगने लगेगा। और मैंने सिंपली क्या किया, जैसे ही पेज लोड हो रहा है, दिस इज नॉट इनसाइड एनी ऑन क्लिक लिसनर और समथिंग, ठीक है, दिस इज लाइक सीधे डॉक्यूमेंट लोड होते ही ये काम होगा और आपको आपके कंसोल में डेटा दिखने लगेगा। लेट मी फर्स्ट शो यू, फिर आप ये कोड लिखना। सो देखो एक बार, सो मैं इसको एक बार हटा रहा हूँ और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जा रहा हूँ और कंसोल में जा रहा हूँ और देखना गाइस, मैं रीलोड कर रहा हूँ पेज को। अच्छा तो यहाँ पे बोल रहा है कि इवेंट टाइप या तो वैल्यू हो सकता है या चाइल्ड एडेड हो सकता है या चाइल्ड रिमूव चाइल्ड चेंज हो सकता है, मैंने वैल्यूज लिख दिया था, सो दिस शुड बी ओनली वैल्यू, ठीक है। और अब मैं वापस जाके रीलोड कर रहा हूँ और ये देखो गाइस पूरा का पूरा डेटा जिस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है। ये देखो पहला टास्क, दूसरा टास्क,
तीसरा टास्क, ठीक है, दिस इज लाइक अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिटरल, इसके ऊपर आप लूप चला करके सब कुछ फेच कर सकते हो, ठीक है। सो जल्दी से ये वाला कोड लिखो, ये कोड से आप क्या कर रहे हो, सारा का सारा डेटा का स्नैपशॉट ले रहे हो, ठीक है, और स्नैपशॉट लेने का मतलब जितना डेटा है वो सब आपके पास आ जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे गाइज ये कोड लिखो, यहाँ पे ये कोड लिखो, जस्ट एक लाइन का कोड है। शुभदीप ठीक हो गया तेरा? सर सही चल रहा पूरा। सायन तुम्हारा ठीक हुआ क्या? वही रूल्स बस ब्लॉक किया हुआ। सायन पृथ्वीश नहीं सर ठीक नहीं हुआ, नहीं हुआ अभी वो रूल्स ठीक है, रूल्स ठीक है फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है। पृथ्वीश ठीक है, मैं यार क्लास के बाद तेरा हेल्प करता हूँ, थोड़ी देर साथ में कोड कर, इट्स ओके, होता है कभी कभी। गाइस एक काम करो, ये लिख लो, तो मेरे पास अब ये डेटा आ रहा है, राइट, ये डेटा मेरे पास जितना भी था डेटाबेस में सब मैं फेच कर पा रहा हूँ, और ये मुझे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको इसके ऊपर लूप चला के दिखाता हूँ और सारे टास्क को प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखो आप क्या करोगे, आप ये लिखोगे फॉर लेट की इन स्नैपशॉट दैट वैल्यू, बेसिकली दिस इज द एंटायर ऑब्जेक्ट, और इसमें मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग स्नैपशॉट डॉट वैल, एक काम करते हैं डेटा, एक काम करते हैं लेट डेटा इज इक्वल टू, यहां पे स्टोर कर लेते हैं इसको, इसको यहां पे स्टोर कर लेते हैं, सो दैट बार बार इतना पुराना लिखना पड़े, ठीक है। सो यहां पे भी मैं लिखूंगा डेटा फॉर की इन डेटा, और यहां पे मैं लिखूंगा डेटा का की, ठीक है। इससे क्या होगा, हर की के अंदर का ऑब्जेक्ट मुझे मिलने लग जाएगा, ठीक है, और ये रहा गाइस मेरा कोड, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, ये जो स्नैपशॉट डॉट वैल था दिस वाज द पेरेंट ऑब्जेक्ट, उसको मैंने डेटा में स्टोर कर लिया, और सिंस दिस इज अ ऑब्जेक्ट लिटरल मैं उसके ऊपर लूप चला रहा हूँ, फॉर इन लूप चला रहा हूँ, ये मैंने वीडियो में आपको भेजा था, और मैं बस की पकड़ करके डेटा के ऊपर जा रहा हूँ और हर बार मैं डेटा का की निकाल रहा हूँ, ठीक है। और इससे देखो क्या होगा, लेट मी शो यू, इससे क्या होगा कि आपका कोड ऐसा देखने लगेगा, ये देखो पहले पूरा आया और फिर एक एक करके आने लग गया। सो हर में अब एक ऑब्जेक्ट है, स्टेटस पेंडिंग टास्क नॉवल, स्टेटस पेंडिंग टास्क नॉवल, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर से अगर टास्क निकालना है तो सोच के देखो मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट के अंदर से एक पर्टिकुलर की फेच करना है, तो आई वुड सिंपली राइट डॉट डॉट टास्क एंड दैट्स इट गाइस। और अब मैं इसको रन करूंगा और देखो क्या होगा, ये देखो सारे टास्क निकल के आ गए, ठीक है। एक बार ये ट्राई करो गाइस, एक बार ये ट्राई करो, मैं इतना कर पा रहा हूँ कि मैं सारे के सारे टास्क फेच कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इनको प्रॉपरली डिस्प्ले करवाऊंगा कार्ड के अंदर, ठीक है। मेरे पास कार्ड रेडी है, उस कार्ड के अंदर मैं इसको प्रॉपरली डिस्प्ले करवाऊंगा, ठीक है। सो कैसे करवाऊंगा मैं, एक बार गाइस इतना करके डन लिखो, फिर हम लोग आगे का कोड लिखते हैं। इस लूप के अंदर मुझे उस कार्ड का कोड प्रिंट करना पड़ेगा और थोड़ी देर में हो जाएगा, एक बार इतना कर लो फिर हम लोग आगे करते हैं। सो या देखो क्या करना है अपने को, हमें क्या करना है बेसिकली, हमें इस कार्ड को बार बार रिपीट करना है, सोच के देखो हमें इस कार्ड को बार बार रिपीट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस वाले को एक आईडी दे दूंगा, इसका आईडी होगा पेंडिंग, इसका आईडी होगा पेंडिंग, इसके अंदर मैं पेंडिंग सब कुछ डिस्प्ले करने वाला हूँ, सो दिस वुड बी पेंडिंग, ठीक है, दिस वुड बी पेंडिंग, ठीक है। और अब मैं पूरा का पूरा कोड कट करूंगा, पूरा का पूरा कोड कट करूंगा कंट्रोल एक्स, सो अब इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ पेंडिंग आईडी है, ठीक है। और देखो मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ और इस जगह पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ डॉलर हैश पेंडिंग डॉट अपेंड, क्योंकि मुझे एक के बाद एक डालना है, एचटीएमएल लिखूंगा तो रिप्लेस हो जाएगा, अपेंड करने से एक के नीचे एक आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आई एम पुटिंग टेम्पलेट लिटरल, और टेम्पलेट लिटरल के अंदर आई एम पेस्टिंग दिस एंटायर कोड लाइक दिस, आई एम पेस्टिंग दिस एंटायर कोड, और इसका इंडेंटेशन मैं सही कर रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे आई एम पुटिंग अ सेमी कोलन,
ठीक है. सो दिस इज द कोड. अब बस मुझे एक काम करना है गाइस, और वो काम क्या है, ये जो यहाँ पे आई वॉन्ट टू लर्न कोडिंग लिखा हुआ है ना, इसके बदले मुझे क्या प्रिंट करना है, ये चीज, डेटा की का टास्क. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल रिप्लेस दिस एंटायर थिंग, आई विल रिप्लेस दिस एंटायर थिंग, आई विल राइट डॉलर दिस, और यहाँ पे आई विल कॉपी दिस एंटायर थिंग एंड आई पेस्ट इट ओवर हियर लाइक दिस, और इसको कंसोल करने का जरूरत नहीं है. ठीक है, सिमिलरली इसको भी कंसोल करने का अब जरूरत नहीं है. एंड गाइज दिस इज योर कोड, दिस इज योर कोड, लेट मी शो इट टू यू, ध्यान से देखना एक बार, फिर आप आराम से करना. मैं इसको हटा रहा हूँ, रन किया और नहीं आया, क्यों नहीं आया, इंस्पेक्ट, कहीं तो कोड फटा है, कहीं कोड भी नहीं फटा, वेब सॉकेट कनेक्शन क्या है ये, पूरी नाइट हैकाथन करो आप, और क्या, और सोरोसिस क्या मतलब किधर है, सोरोसिस किधर है. ओके गाइस सुनाई दे रहे क्या, हाँ सर, हाँ सर, हाय सर, हाय यार कैसे हो, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं. हाँ सर, ठीक है गाइस, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, तभी मेरा एरर आ रहा था. सो यू कैन सी, ये देखो लोड करते ही काम कर रहे हैं. अरे यार इंटरनेट क्यों अनस्टेबल हो गया, ये देखो गाइस प्रिंट हो रहा है एंड दिस इज द कोड, आप एक बार लिखो, मैं एक बार फिगर आउट करता हूँ मेरा सडनली से इंटरनेट क्यों जा रहा है. डेटा तो बचा हुआ है, ओ हो मेरा डेटा ही खत्म हो गया यार पूरा. गाइस जस्ट गिव मी वन मिनट, मैं एक बार रिचार्ज करवा रहा हूँ यार. क्या सर आप भी मोबाइल डाटा यूज करते हो क्या? अरे हाँ यार मैं घर आया हूँ, यहाँ पे वाईफाई नहीं है, क्या तुमको बताऊँ प्रॉब्लम है. और एक्चुअली आज सुबह से, आज पांचवा क्लास है ये, तो इसलिए पूरा डेटा उड़ गया. सो जस्ट वन सेकेंड, एक बार मैं रिचार्ज करके आपको, तब तक आप लोग ये कोड ट्राई कर लो. सर पर दिन आपका कितना ये जाता है डेटा? वो नहीं पता है, मैं 250 का रिचार्ज करके 50 GB डेटा लेता हूँ, तो मेरा एक वीक में खत्म होता है 50 GB, तो उस हिसाब से पकड़ ले 7-8 GB का डेली का खर्चा है. बाप रे बाप, तो यार वो एक ही क्लास में तो 2 GB उड़ जाता है मेरे को लगता है, एक ही क्लास में 2 GB. अरे यहाँ पे मेरे घर के पास वाईफाई नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ कोलकाता, कल परसों निकल जाऊंगा. पटना तो बहुत डेवलप एरिया है. अरे समाओ मेरे एरिया में अभी तक नहीं पहुंचा यार, क्या करें. जस्ट वन सेकंड. हां सर ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी बेकार है, ठीक है मुझे भी नहीं मिला अपने एरिया में. सर उस एरिया में बहुत पॉलिटिक्स चलता है, उसमें नहीं देता है वाईफाई को, पता है सर हमको सब कुछ. अरे हाँ पता नहीं, जो भी सीन है यार, मैं ज्यादा टाइम के लिए यहाँ नहीं हूँ, बस खाना खाने आया था, खाना खा लिया अब वापस जाऊंगा. सो या गाइस एक बार जस्ट मेक श्योर आपका कोड काम कर रहा है और आपका डिस्प्ले हो रहा है, रिचार्ज मैंने करा लिया है, सो होपफुली अब डेटा सही अभी डिस्कनेक्ट हो गया था तो और कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है. लेट क्या भेजा, क्या लेट सर, लेट टू डू से लेकर ये एट टास्क के ऊपर वाला था, मतलब उसका ब्रैकेट तक आपका डेटा डिस्प्ले हो रहा है, रीलोड कर रहे हो सारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है. ठीक है अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिलीट का कोड लिखते हैं. ठीक है डिलीट करने का कोड लिखते हैं, फिर हम लोग कंप्लीटेड का कोड लिखेंगे, और जब हम कंप्लीटेड का कोड लिखेंगे तो हम यहाँ पे डेटा डिस्प्ले करने का भी कोड लिखेंगे. ठीक है तीन काम बचे हैं, ठीक है 20 मिनट्स में हो जाएगा, 11 बजे तक खत्म हो जाएगा. सो ध्यान से देखो, हम लोग डिलीट का कोड लिख रहे हैं. ओके डिलीट का कोड, सो ध्यान से देखो. सो कोई बता सकता है क्या स्ट्रेटेजी यूज करेंगे डिलीट करने के लिए? ये तीनों बटन्स के क्लिक पे मुझे उस रिस्पेक्टिव टू डू टास्क को डिलीट करना है. ठीक है तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं सबको आईडीज दूंगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा गाइस, सोच के देखो आईडी से तो काम नहीं होगा. यहाँ पे क्या, इसका क्लिक को कैसे कैप्चर करूं मैं, इसके क्लिक को कैसे कैप्चर करूं, क्लास दे दीजिए, क्लास देके राइट. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो बैक इस कोड में
और यहाँ पे जहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है यहाँ पे आई विल एड वन मोर क्लास ऑफ डिलीट. एक काम करो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दो. ठीक है अभी मैं आपको एक मस्त चीज दिखाता हूँ, मतलब एक प्रॉब्लम होगा और वो आपको ज्ञान देगा. उस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज्ञान देते हैं. सो देखो क्या करना है, मैंने यहाँ पे डिलीट क्लास ऐड कर दिया. ठीक है डिलीट क्लास ऐड कर दिया और अब मैं एकदम नीचे जा रहा हूँ. एक बार जस्ट मेक श्योर आपने यहाँ पे डिलीट लिख दिया. अब मैं एकदम नीचे जा रहा हूँ और यहाँ पे आई एम क्रिएटिंग वन मोर लिसनर एंड दैट लिसनर इज लाइक दिस डॉलर डॉट डिलीट डॉट क्लिक फंक्शन और यहां पे आई एम जस्ट प्रिंटिंग आउट अलर्ट और अलर्ट में आई एम राइटिंग हेलो दैट इज द कोड. ठीक है सो बेसिकली अगर मेरे क्लास मेरे पेज पे कोई भी डॉट डिलीट क्लास का आइटम है तो उस पर मैं क्लिक करूंगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए अलर्ट हेलो. अब देखो प्रॉब्लम क्या आएगा. एक बार ये कोड मत लिखो क्योंकि ये कोड हटने वाला है, लिखो मत. लेट मी शो यू प्रॉब्लम क्या आएगा, आप ट्राई करना उसको एक्सप्लेन करने का. मैंने रन किया इस कोड को. ये सबका क्या क्लास है, सबका क्लास डॉट डिलीट है बट देखो मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा कुछ भी नहीं होगा. कोई एक्सप्लेन कर सकता है ऐसा क्यों हो रहा है, ये बिहेवियर क्यों है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है जेक्वेरी, जबकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड है. मैंने यहाँ पे जब प्रिंट कराया तो मैंने सभी जगह पे डिलीट क्लास डाल दिया राइट. और अब यहाँ पे जब मैं डिलीट को क्लिक कर रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा. इसका रीजन कोई समझा सकता है, क्या लग रहा है? हमने तो बस अलर्ट डाले. क्या डाला? अलर्ट डाले बस. हाँ तो अलर्ट नहीं प्रिंट हो रहा ना, कहाँ अलर्ट प्रिंट हो रहा है, देख अलर्ट प्रिंट नहीं हो रहा है क्लिक करने से. कोई समझा सकता है इसका रीजन क्या है? तो क्योंकि डिलीट हो ही नहीं रहा. नहीं डिलीट तो प्रिंट हुआ ना रे, सामने तो बटन आ रहा है. हाँ ऑल बटन का सेम क्लास है बट दैट्स द होल आइडिया ऑफ क्लास. सबका क्लास तो सेम ही होता है, आईडी डिफरेंट नहीं होना चाहिए, क्लास तो सेम हो ही सकता है. क्लास का रीजन नहीं है. देखो मैं आपको रीजन बताता हूँ. देखो राइट क्लिक कर रहा हूँ, व्यू पेज सोर्स पे जा रहा हूँ और यहाँ पे देखो गाइस इस पे फोकस करो. पेंडिंग के अंदर यू कैन सी कोई भी डिव नहीं है, ये डिव्स नहीं है. जब ये पेज लोड हुआ था, जब ये पेज सर्वर से आया था उस टाइम यहाँ पे कोई डिव नहीं था. ये डिव्स बाद में लोड हुए, मतलब ये एक्चुअल पेज के पार्ट नहीं है, ये बाद में आए हैं. और जब बाद में कोई चीज आता है ना और उसके ऊपर अगर आप जेक्वेरी अप्लाई करोगे ना वो काम नहीं करता है. दिस इज अ बिग इशू. तो हो क्या रहा है, ये एक्चुअली इसका पार्ट नहीं है, ये जो कार्ड्स है ना ये आपने बाद में उसमें घुसाए तो जेक्वेरी इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस. यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, उसको बोलते हैं इवेंट डेलीगेशन. इवेंट डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, आप क्या करोगे, आप इस बटन के एक ऐसे पेरेंट के ऊपर क्लिक लगाओगे जो ऑलरेडी तो जॉल लाओ ना अभी जी यार म्यूट करना एक बार. सॉरी गाइस सो आई वाज सेइंग कि आप ऐसे किसी एलिमेंट के ऊपर डॉट क्लिक लगाओगे जो ऑलरेडी पेज में है और वो इसका पेरेंट होना चाहिए. जैसे इसका पेरेंट कौन है, कार्ड. बट कार्ड भी अभी आया, कार्ड का पेरेंट कौन है, कार्ड का पेरेंट ये है, ये वाला डिव, और ये पहले से पेज में है. सो मैं क्या करूंगा, मैं क्लिक इसके ऊपर लगाऊंगा और इसका क्लिक पलट करके मेरे बटन के ऊपर काम करेगा. ठीक है सो एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको इवेंट डेलीगेशन बोलते हैं. ठीक है सो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, वी आर डूइंग इवेंट डेलीगेशन. ये नया कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको पढ़ाने वाला था जावास्क्रिप्ट में कल परसों जब मैं वीडियोस डालने वाला था बट अभी हमने थोड़ा पहले कवर कर लिया. तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो. आप यहां पे लिखोगे पेंडिंग. पेंडिंग कौन है, पेरेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है और उसके ऊपर आपको ये वाला फंक्शन लगाना पड़ेगा. देखो आप लगाओगे ऑन फंक्शन और ऑन में आप अटैच करोगे क्लिक वाला इवेंट और यहाँ पे आप उस चाइल्ड का नाम लिखोगे जिसके ऊपर आपको अप्लाई करना है. उस चाइल्ड का नाम क्या है, डिलीट. और उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन और उस कॉल बैक फंक्शन में आप जो भी करोगे अब वो काम करेगा. सो थोड़ा सा वो सिंटेक्स चेंज हो गया गाइस. दिस इज नोन एज इवेंट डेलीगेशन और ऐसा हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये जो डिलीट वाला चीज है ना ये पेज का पार्ट नहीं है, ये बाद में आ रहा है, ये डॉम का पार्ट नहीं है. डॉम का पार्ट नहीं है तो काम नहीं करेगा. तो आपने उसके पेरेंट के ऊपर अप्लाई किया क्लिक और आपने बोला उसका अगर कोई बेटा दिखाई दे तो उसके ऊपर भी अप्लाई कर देना. ठीक है सो देखो अब क्या होगा, अगर मैं वापस जाऊं इस पेज को रोट करूं ये मेरे सारे इवेंट्स आए और अब देखो मैं क्लिक कर रहा हूं तो हेलो आ रहा है. दिस इज नोन एज इवेंट डेलीगेशन. इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन जावास्क्रिप्ट. ठीक है कि अगर आपका पेज में पार्ट नहीं है वो तो आप उसके पेरेंट को पकड़ लोगे जो पहले से वहां पर है. ठीक है सो एक बार गाइस जस्ट मेक श्योर आपका ये कोड काम कर रहा है. दिस कोड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. यहीं पे हम लोग अब डिलीट करेंगे.
एक बार गाइस इतना करके डन लिखो, अगर आपका यहाँ तक कोड काम कर रहा है तो एक बार डन लिखो, फिर हम लोग अब डिलीशन परफॉर्म करने वाले हैं थोड़ी देर में। किसी का भी हुआ तो एक बार डन लिखना गाइस, वी आर गोइंग टू परफॉर्म डिलीशन नाउ। और ये जो चीज हुई इसको हम बोलते हैं इवेंट डेलीगेशन। और गाइस आई एम टेलिंग यू, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में लाइक बहुत आता है, एक्सप्लेन इवेंट डेलीगेशन। तो आपको बस इतना बोलना है कि कोई चीज अगर पेज का पार्ट नहीं है तो उसके ऊपर अगर आपको जेक्वेरी अप्लाई करना है, इवेंट्स अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप इवेंट डेलीगेशन यूज करते हो, किसी पेरेंट को पकड़ के काम करवाते हो, ठीक है, कि जब तुम्हारा बेटा आएगा उसके ऊपर ये चीज लगा देना, दैट्स इट, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे डिलीट करना है, बट द प्रॉब्लम इज दिस, देखो एक बार, जैसे अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ ये रीड अ नॉवल डिलीट होना चाहिए, राइट। जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ ये वाला इवेंट, ये वाला डिलीट होना चाहिए, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ सिर्फ ये वाला डिलीट होना चाहिए, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ सिर्फ ये वाला डिलीट होना चाहिए। हाउ कैन आई डू दैट, सोच के देखो, हाउ विल आई आइडेंटिफाई कि ये रीड अ नॉवल इज अ डिफरेंट थिंग, लर्न हाउ टू कोड इज अ डिफरेंट थिंग, लर्न टू स्विम इज अ डिफरेंट थिंग। ये रहा मेरा डेटाबेस, इस डेटाबेस में देख करके बताओ कि हाउ विल आई आइडेंटिफाई कि कौन सा टास्क कैसा है, मतलब क्या है। तो उसका आईडी ऊपर वाला सभी को देखो, एक यूनिक आईडी मिला हुआ है, ठीक है, तो मैं इस यूनिक आईडी को फेच करूंगा, इस यूनिक आईडी को फेच करूंगा और इस यूनिक आईडी को पकड़ करके मैं डिलीशन परफॉर्म करूंगा, ठीक है। सो ध्यान से देखो, मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी तरीके से जब मैं ये कार्ड्स प्रिंट कर रहा हूँ, जब मैं ये कार्ड्स प्रिंट कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे मुझे किसी तरीके से यहाँ पर उस चीज को लाइक डालना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड कर रहा हूँ, क्या हो गया ये, एक पैराग्राफ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, एक पैराग्राफ ऐड कर रहा हूँ, और उस पैराग्राफ में देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ डॉलर, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ की, बिकॉज की क्या है, की इज दैट की, राइट। अब देखो जैसे मैं इसको सेव करूंगा और रन करूंगा, आपको ये कोड नहीं लिखना बाय द वे, अब देखो ये देखो सबका की प्रिंट हो रहा है, सबका की प्रिंट हो रहा है, राइट। बट मुझे ऐसे दिखाना तो नहीं है ना, सबका की तो प्रिंट हो रहा है बट मुझे सबका की ऐसे दिखाना तो नहीं है, मुझे तो उसको छुपा के रखना है। कोई बता सकता है छुपाने का सॉल्यूशन क्या है, हाउ कैन आई हाइड इट, मतलब मेरे को चाहिए है ये रहना चाहिए बट ऐसे दिखना नहीं चाहिए, तो क्या करूँ, क्या सॉल्यूशन है, कंसोल, कंसोल पे प्रिंट, नहीं तो कंसोल में डाल दोगे तो फिर वो फेच नहीं कर पाएगा वापस, व्हाट इज द सॉल्यूशन, मुझे इसको दिखाना मतलब रखना भी है, नहीं अगर आपने, अगर उसने आपने उस कलर को वाइट कर, अगर आपने इसको हाइड, वाह शुभोदित क्या दिमाग लगाया, कलर को वाइट कर दो नहीं भाई वो नहीं करना, लेकिन आप डिस्प्ले नन करोगे तो प्रॉब्लम क्या है ना, डिस्प्ले नन करोगे तो जेक्वेरी को भी नहीं दिखेगा, अगर आपने डिस्प्ले नन कर दिया तो जेक्वेरी को भी नहीं दिखेगा क्योंकि वो पेज से हट जा रहा है, हाइड नहीं कर सकते, नन नहीं कर सकते, डिस्प्ले हटाओगे पेज से चला जाएगा। देयर इज अ सॉल्यूशन, लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता है डेटा आईडी एट्रीब्यूट, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, जो भी आपका बटन है उसमें आप एक डेटा हाइफन आईडी बोल के एक एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो, ये दिखता नहीं है कभी भी, ये छुपा रहता है, बट यहाँ पे आप चीजों को डाल सकते हो और रिट्रीव कर सकते हो, इट्स लाइक दिस हिडन पॉकेट, ठीक है, हिडन पॉकेट की तरह ये। और यहाँ पे मैं ये सेम काम कर दूंगा कि आई वुड पुट दिस एंटायर कोड इनसाइड ओवर हियर, और इसको मैं फेच करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में। सो ये पैराग्राफ ऐड करने का जरूरत नहीं है, आपको ये डेटा आईडी ऐड करने का जरूरत है, एक बार ये डेटा आईडी ऐड कर लो गाइस, एक बार ये डेटा आईडी ऐड कर लो, अब हम इस डेटा आईडी को फेच करेंगे। तो आप एक काम कीजिए, नहीं जो मतलब फायरबेस से है ना, फायरबेस इनिशियलाइज है, वहां से कॉपी करके नीचे तक भेज दीजिए ना, मेरा कहीं पर एक मतलब ब्रैकेट का वो प्रॉब्लम हो गया, बहुत कोशिश कर रहा हूं, नहीं भेज रहा हूं गाइस, तब तक आप लोग ये कोड लिख लो, ये कोड लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पूरा फाइल भेज रहा हूं यार, और कंप्यूटर to do app.js, मतलब अरे नहीं वो नहीं जा रहा भाई, अरे नहीं जा रहा भाई, आपको वो आईडी कॉपी हो जाएगा, आधा कट जा रहा है, तू अपना वो वाला कोड रिप्लेस कर देना ना। अच्छा तो ठीक है, भेज दिया मैंने। ओके गाइस ये कोड आपने लिख दिया, डेटा आईडी आपने डाल दिया, अब मैं आपको डेटा आईडी फेच करके दिखाता हूँ। डेटा आईडी आप कैसे फेच करते हो, ये देखो जो भी बटन प्रेस हुआ उसके आपको क्या फेच करना है, आपको उसका डेटा आईडी निकालना है। कैसे निकालोगे आप लिखोगे डॉलर दिस, जो भी बटन प्रेस हुआ, दिस मतलब जो भी बटन प्रेस हुआ, दिस, फिर आप लिखोगे डेटा और आप इसके अंदर लिखोगे आईडी,
ठीक है, और यही है आपका टास्क आईडी, ठीक है, और आप इसको प्रिंट कर दोगे, अलर्ट टास्क आईडी, दिस इज द कोड गाइस। सो ये इस सिंटेक्स से क्या होता है, डेटा का जो आईडी एट्रीब्यूट है वो आप फेच कर पाते हो, और आपने दिस लिख दिया मतलब जो भी बटन प्रेस हुआ उसका डेटा आईडी का एट्रीब्यूट आप फेच करके इस वेरिएबल में डाल रहे हो और आप उसको प्रिंट कर रहे हो। लेट मी शो इट टू यू, फिर आप आराम से करना। सो अगर मैं इसको रन करूं, देखना क्या होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाई नहीं देगा यहाँ पे, और अब देखो जैसे मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये इसका आईडी है, एमएफएस लास्ट में है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, एडी एफ आई लास्ट में है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, 2E3G लास्ट में, ठीक है। सो अब मैं सबका डेटा एट्रीब्यूट फेच कर पा रहा हूँ, ठीक है, और इसी को यूज करके अब मैं डिलीशन परफॉर्म करूंगा, ठीक है। सो एक बार गाइस इतना कर लो, तो वो फंक्शन का नाम क्या बोले आप, जो मतलब हाइड करके रखता है वो डेटा आईडी, डेटा हाइफन आईडी, फंक्शन नहीं वो एक एट्रीब्यूट है, ये रहा वो डेटा हाइफन आईडी। सो गाइस एक बार जस्ट मेक श्योर आप ये फेच कर पा रहे हो, और अब हम डिलीशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो अब इसको प्रिंट नहीं करना है, विल राइट डिलीट दैट पर्टिकुलर टास्क, ठीक है, और इसका कोड बहुत सिंपल है, आप ये कोड लिखते हो, आप लिखते हो firebase.database.ref। इस बार आप एक नया रेफरेंस क्रिएट करते हो, और आपके रेफरेंस का नाम होता है टास्क, ऊपर क्या था, ऊपर टास्क था क्या, ऊपर टू डू था शायद, टू डू, ठीक है, आप लिखोगे टू डू, टू डू के बाद आप लगाओगे स्लैश, और स्लैश के बाद आप प्लस में लिख दोगे टास्क आईडी, और आप उसके आगे लिख दोगे रिमूव, एंड दैट्स द कोड गाइस, दैट्स द कोड, बस इतना कोड लिखना है आपको। आपने एक नया रेफरेंस क्रिएट किया, इस बार आपने रेफरेंस किसका क्रिएट किया, टू डू के अंदर इस पर्टिकुलर आईडी का, और आपने उसको रिमूव कर दिया। डॉट रिमूव क्या करता है, उसको रिमूव कर देता है। लेट मी शो इट टू यू, ये काम कर रहा है कि नहीं। सो मैं इसको रीलोड करता हूँ, और तीन है अभी मेरे पास, डिलीट पे क्लिक किया और काम नहीं किया, क्यों नहीं किया, इंस्पेक्ट जस्ट वन सेकेंड, कंसोल, ref इज नॉट अ फंक्शन, firebase.database इज अ फंक्शन, सॉरी दिस इज अ फंक्शन, बेसिकली ये पूरा कोड लिख रहा हूँ मैं दोबारा से, firebase.database.ref, ठीक है, और अब इस कोड को रन करते हैं, देखना इस बार हो जाएगा। सो ये रहे मेरे सारा, इस पर मैंने क्लिक किया, ये क्या हो गया और बढ़ गया, ये डिलीट हुआ बट उस पॉइंट पे डिलीट नहीं हुआ, डिलीट किया, हो समझ में आ रहा है, एक्सप्लेन कर सकता है क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो डिलीट हो रहा है, ये देखो मैं डिलीट हो रहा है, बट देखना पहले मैं एक ऐड कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न टू डांस, को एक्सप्लेन करना क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है, लर्न टू डांस, ये मैंने टास्क ऐड कर दिया, कैन यू टेल मी ये नया इतना सारा क्यों ऐड हो रहा है, दो बार स्विम क्यों आ रहा है, देखना फिर से, एक बार लर्न टू प्ले चेस, देखना अभी क्या होगा, ये क्या हुआ, ये देखो इतना सारा क्यों आ रहा है, लूप में है ना वो, मतलब लूप में नहीं, एक्चुअली क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे बार बार ऐड कर रहे हो, सो जितनी बार भी वहां पे चेंज हो रहा है ये वाला चीज बार बार ट्रिगर हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार शुरू होने के पहले इस लूप के शुरू होने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार अपना HTML को खाली करना पड़ेगा लाइक दिस, अब देखना ये प्रॉब्लम नहीं होगा। सो मैं एक बार रन करता हूँ इसको, सो इस पॉइंट पे मेरे पास तीन चीजें हैं, देखो डिलीट किया, डिलीट हो गया, डिलीट किया, डिलीट हो गया, डिलीट किया, डिलीट हो गया, और यहाँ पे लिखा लर्न टू कोड, आ गया, फिर से डाला लर्न टू प्ले क्रिकेट, आ गया, डिलीट किया, डिलीट हो गया, ठीक है। सो आपको ये हर बार खाली करना पड़ेगा अपना HTML, फिर ये बार बार लूप चलेगा, अगर ये लूप बार बार चलते रहा और आपने खाली नहीं किया तो अपेंड होता जाएगा ना नीचे, ठीक है। तो गाइस ये कोड लिख लो लूप के ऊपर और नीचे में दिस इज द कोड, और अब आपका डिलीशन काम कर रहा है गाइस, डिलीशन काम कर रहा है, बस दो चीजें बची, हाउ टू कंप्लीट, और कंप्लीट करने के बाद पेंडिंग टास्क में आपको कंप्लीटेड टास्क दिखाने हैं। सो दो चीजें बची, 10 more minutes, ठीक है, आई नो थोड़ा सा आपने रात में पेशेंस दिखाया, बस 10 मिनट और आपका ये अभी तक का कंप्लीट हो जाएगा, ऊपर जाइए ना वो HTML वाला दिखाइए, दिस इज द कोड, ये लूप के जस्ट ऊपर चलाना है, बेसिकली मैं अपने पेंडिंग को बार बार खाली कर रहा हूँ सो दैट लूप प्रॉपरली चले, अदरवाइज वो एक्युमुलेट होता जा रहा है पूरी चीज वाला फंक्शन, मतलब क्लियर स्क्रीन वाला फंक्शन,
हाँ काइंड ऑफ मैं एचटीएमएल ब्लैंक कर दे रहा हूं बेसिकली उसके अंदर अब कुछ नहीं रहेगा सारा एचटीएमएल हट जाएगा दैट्स इट बस इतना ही हो रहा है वहां पे और गाइस दिस इज द कोड ठीक है दिस इज द कोड जहां आप डिलीशन परफॉर्म कर रहे हो अब हमें कंप्लीट का कोड करना है ठीक है कंप्लीट का कोड इज वेरी सिमिलर जल्दी से करते हैं एक बार गाइज इतना करके डन लिखो अगर आपका इतना हो गया तो दो चीजें बची दोनों चीजें एक्चुअली बहुत सिमिलर है जल्दी से कर लेंगे 10 मिनट्स में हो जाएगा दिस इज द कोड लूप के जस्ट पहले आपको खाली करना है अपने कंटेनर को पेंडिंग को एक बार बताओ गाइस किसी का भी हुआ क्या आप लोग क्या नहीं कर रहे हो क्या आप पीछे छूट गया शायद ऐसा लग रहा है सर एक बार नीचे सर दिस इज द कोड टू डिलीट देखो अब हम लोग को क्या करना है कंप्लीट करना है सो कंप्लीट करना इज बेसिकली अपडेट ऑपरेशन देखो क्या करना है अपने को कि यहाँ पे जो जो भी है अब यहाँ पर एक ही आइटम है क्या हाँ एक ही आइटम है इसको मैं हटा रहा हूँ सो या जो भी है इसका स्टेटस को बस पेंडिंग से किस में कन्वर्ट करना है कंप्लीट में कंप्लीटेड में ठीक है तो इट्स एन अपडेट ऑपरेशन ठीक है जैसे वो डिलीट ऑपरेशन था दिस इज एन अपडेट ऑपरेशन तो सब कुछ सेम रहेगा गाइस आपको क्या करना है कोड में वापस जाओ और कोड में जाकर के ये कोड लिखो इस बटन को कंप्लीटेड वाले को एक क्लास दो कंप्लीट का और इसको भी ये डेटा आईडी दो बिकॉज आप आईडी पकड़ के अपडेट करोगे सो इसको भी ये डेटा आईडी दो ये दो काम यहाँ पे सेम टू सेम करना है इतना कर लो गाइस एक बार इतना कर लो गाइस ये कंप्लीट बटन को भी हमने सेम चीज किया डेटा आईडी दिया और इसको एक क्लास दे दिया कंप्लीट बोल के ठीक है और सब कुछ सेम होगा बिल्कुल सेम होगा ठीक है लेट मी शो इट टू यू एक बार इतना कर लो आई होप कर लिया अब देखो बस आपको नीचे आना है और ये सेम कोड को कॉपी पेस्ट कर देना इस सेम कोड को कॉपी पेस्ट कर देना सेम कोड को कॉपी पेस्ट कर देना यहां पे भी पेंडिंग रहेगा यहां पे क्लिक ही रहेगा यहां पे डिलीट के बदले आ जाएगा यहाँ पे डिलीट के बदले आ जाएगा कंप्लीट ठीक है कंप्लीट ओके सब कुछ सेम है यहाँ पे बस क्या आ जाएगा अपडेट और यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना है और उस ऑब्जेक्ट में आप बस लिख दोगे स्टेटस का वैल्यू वुड नाउ बी कंप्लीटेड सर मैं डिस्कनेक्टेड हो गया था एक बार बताइए ना क्या हुआ यहाँ पे मैंने चीज ऐड किया यहाँ पे डेटा आईडी ऐड किया और यहाँ पे कंप्लीट ऐड किया इस बटन में कंप्लीटेड वाले बटन में ठीक है डेटा आईडी सेम टू सेम क्या कर रहे हो आईडी यहां कंप्लीट यार ये कोड लिखना भाई ये सेम टू सेम यहां पे कॉपी पेस्ट यहां पे कर और यहां पे कंप्लीट का एक क्लास ऐड कर दे बस इतना करना है यहां पे और उसके बाद यहां पर मैंने सेम टू सेम ये पूरा कोड ये सारा का सारा कोड कॉपी किया और यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया एज इट इज और बस एडिट कर दिया यहां पे डिलीट के बदले कंप्लीट आ गया और बाकी सब कुछ सेम है यहां पे बस रिमूव के बदले अपडेट आ गया और यहाँ पे मैंने एक इनपुट दे दिया कि मेरा स्टेटस को चेंज करके कंप्लीटेड कर दो इस पर्टिकुलर टास्क आईडी का दैट्स इट बस इतना कोड है गाइस दिस इज द कोड फॉर अपडेटिंग बस उसी को कॉपी करके उसके नीचे पेस्ट कर दिए हाँ उसके नीचे पेस्ट कर दिया और उसका आईडी दे दिया बस इतना ही ना यहाँ पे कंप्लीट लिख दिया डिलीट के बदले हाँ यहाँ पे रिमूव के बदले हाँ ऊपर आईडी दे दिया यहाँ पे रिमूव के बदले अपडेट कर दिया और यहाँ पे ये चीज ऑब्जेक्ट में पास कर दी गाइस दैट्स इट बस दिस इज द कोड लेट मी शो इट टू यू मैं क्या करता हूँ ये देखो अभी यहाँ पर जो कोड है उसमें पेंडिंग है स्टेटस यहाँ पे अब मैं अगर जाऊँ कंप्लीटेड पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ इंस्पेक्ट कंसोल क्या रीजन है
किसी को कुछ दिख रहा है क्या मिस्टेक? पेंडिंग के कंप्लीट वाले पे, कंप्लीट का स्पेलिंग मैंने सही लिखा ना, यहाँ पे कंप्लीट लिखा है, क्लास में कंप्लीट लिखा है, डेटा आईडी सही है, डेटा आईडी मैंने यहाँ पे फेच किया, यहाँ पे आईडी पास किया, यहाँ पे दिस है, और रेफरेंस में टू डू स्लैश टास्क आईडी में अपडेट कंप्लीटेड, क्यों काम नहीं किया ये? किसी का काम कर रहा है क्या गाइस? एक है कंप्लीटेड पे क्लिक किया, हाँ अभी हो रहा है, पता नहीं पिछली बार मैंने रीलोड नहीं किया था शायद, देखो हो रहा है अब, कंप्लीटेड हो गया ये, ठीक है। लेट मी ऐड वन मोर टास्क, लेट्स से लर्न टू डांस, ठीक है, ऐड टास्क, ये ऐड हो गया लर्न टू डांस, और यहाँ पे देखो अभी इसका स्टेटस इज पेंडिंग, बट अगर मैं कंप्लीटेड पे क्लिक करूंगा यहाँ पे यू कैन सी कंप्लीटेड हो गया, ठीक है। सो दिस इज वर्किंग गाइस, दिस इज द कोड, और वी आर ऑलमोस्ट देयर, बस फाइव मोर मिनट्स। अब बस हमको एक लास्ट चीज करना है, पेंडिंग वाला एक तरफ दिखाना है, कंप्लीटेड वाला दूसरी तरफ दिखाना है। नहीं काम कर रहा था, रीलोड नहीं किया शायद तूने। सो गाइस बस वी आर ऑलमोस्ट देयर, अब बस मुझे क्या करना है कि जितने भी कंप्लीटेड टास्क है वो मुझे यहाँ पे दिखाना है, और जितने भी पेंडिंग टास्क है वो मुझे यहाँ पे दिखाना है, ठीक है, ये मुझे करना है। सो बहुत सिंपल है, फर्स्ट व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे आऊंगा और इस कार्ड को कट कर लूंगा क्योंकि ये कार्ड नहीं दिखाना है, और इसको मैं एक आईडी दे दूंगा कंप्लीटेड का, लाइक दिस, सेव कर लिया, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे अभी पेस्ट कर देता हूँ इस जगह पे, इसको मैं यूज करूंगा, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, इस कंप्लीटेड में कंप्लीटेड वाले दिखाने, इस पेंडिंग में पेंडिंग वाले दिखाने। तो व्हाट आई विल डू इज मैं app.js में जाऊंगा, यहाँ पे जहाँ पे मैंने लूप चलाया था, उस लूप चलाने के पहले आई वुड जस्ट चेक इफ इफ डेटा का की डॉट स्टेटस इज इक्वल टू पेंडिंग, अगर ये पेंडिंग है तो मैं ये कोड रन करूंगा, तो मैं ये कोड रन करूंगा, राइट, एल्स अगर वो पेंडिंग नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये कोड लिखूंगा, देखो एक बार मैं लिखूंगा डॉलर हाइफन कंप्लीटेड कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड डॉट अपेंड, और अपेंड के अंदर I would just paste this entire thing, ठीक है, इस जगह पे, like this, और यहाँ पे जहाँ पे I want to learn coding है, इसके बदले में आ जाएगा ये वाला चीज, task, like this, and guys this is the code, हो गया, देखो एक बार, so अगर मैं run करूँ, ये देखो दोनों कंप्लीटेड टास्क यहाँ पे आ गए, एक नया टास्क मैं ऐड करता हूँ, रीड अ बुक, ऐड टास्क पे क्लिक किया, वो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे फिर से सेम प्रॉब्लम। तो एक काम करते हैं, जहाँ पे मैंने इसको इसको ब्लैंक किया था, सिमिलरली मैं कंप्लीटेड को भी ब्लैंक कर दूंगा। सो उससे क्या होगा, अब रीलोड करते हैं, सो दिस इज द सेटअप, एक यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, एक और ऐड करते हैं, लर्न टू कुक, ठीक है, ऐड, ये मेरा दूसरा पेंडिंग टास्क है, ये देखो अब मैंने जैसे ही इस पर कंप्लीटेड पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, ठीक है, और इस पर जैसे ही कंप्लीटेड पे क्लिक किया वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट, काम कर रहा है ये रहा कोड, आपने बस चेक कर लिया कि पेंडिंग है तो इस वाले डेव में, अगर नहीं है तो इस वाले डेव में,
एंड दैट्स इट. अब वहां से हटा रहे हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे घुस जा रहा है बिकॉज ये वाला लूप बार बार रन कर रहा है, कंटिन्यूसली रन कर रहा है, ठीक है, बिकॉज इट्स अ रियल टाइम डेटाबेस, बार बार ट्रिगर कर रहा है आपके कोड को, ठीक है. सो या गाइस दिस इज इट. सर वो डीफ जो मतलब डीफ जो कॉपी किया ना या मतलब काट किया ना यहाँ पे अभी लास्ट में जो वो एक बार दिखाई ना मतलब आपका वो दिखाई नहीं दिया था. ये रहा, यहाँ से कट किया था, कंप्लीटेड के अंदर वाला कार्ड कट किया था और यहाँ पे पेस्ट कर दिया था अपेंड के अंदर. app.js भेज रहा हूँ मैं पूरा का पूरा. Guys, this is the code. किसी का भी हुआ क्या गाइस पूरा का पूरा? सर वो वाला फंक्शन सीखा है ना, वो बटन का इंटर मारते हुए एटस हो जाएगा इंटर मारने से, इंटर वाला फंक्शन वो तो कभी होता ही नहीं है. कौन सा इंटर वाला? मतलब हम अगर कीबोर्ड से इंटर मारेंगे तो वो एटस हो जाएगा ऑटोमेटिक. वो तो क्लिक करना करना पड़ेगा उसके लिए, ऑन की प्रेस करना पड़ेगा. हां ऑन की प्रेस इवेंट यूज करना पड़ेगा उसके लिए. अच्छा गाइस किसी का भी काम किया क्या एंड टू एंड? एक बार बताना अगर किसी का भी काम किया एंड टू एंड तो. किसी एक का तो किया, अभिरूप का किया, सौरशीष का भी किया, ठीक है. ठीक है गाइस आई गेस आपको समझ में आया कितना पावरफुल है फायरबेस. आई विल ट्राई नेक्स्ट वीक आपको व्हाट्सएप बनवाने का, लाइक व्हाट्सएप का बेसिक चैटिंग फीचर, ठीक है, और उसको डिप्लॉय करेंगे, स्टाइल व्हाइल मारेंगे थोड़ा सा, ठीक है. आज गाइस इतना कर लो, मैं एक आपका हैकाथॉन क्रिएट करता हूँ आज रात में, नहीं तो कल सुबह, सॉरी संडे को नहीं हो पाया, बट मैं आपको ज़्यादा टाइम दूंगा, डोंट वरी, अराउंड 48 आवर्स दूंगा मैं आपको, बिकॉज आई नो आपका कॉलेज चल रहा है, बट आई विल गिव यू सम प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑन टॉप ऑफ फायरबेस, ठीक है, सो दैट आपका फायरबेस का प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है. सो या गाइस जाओ फिर जिनका हो गया. हाँ तो कल सुबह को टास्क दे दीजिए. सुबह ही देंगे यार, रात में मैं थक गया एक्चुअली, 5 क्लास लेके 2 बजे से बैठा हुआ हूं अभी दिमाग में. सर ये वाला फंक्शनलिटी कैसे ऐड करें कि मतलब ऑटोमेटिक अगर कंप्लीट में दे. हेलो हां बोल, सुनाई दे रहा है? हां बोल बोलना, सुनाई दे रहा है? हां सर अगर कुछ ऐसा ऐड कर सकते मतलब उसका कोई आईडिया दीजिए ना, मतलब अगर अगर 10 हो जाएगा मतलब ये कंप्लीटेड 10 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसके बाद सेट करेंगे ना, उसके नीचे से हटता रहेगा. काउंट नोड्स होता है, नोड्स काउंट कर सकता है तू. यानी क्या फंक्शन का नाम क्या है सर? फायरबेस का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना ना, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली. नोड्स काउंट कर सकता है लेकिन तू. अच्छा ठीक है, ठीक है गाइस फिर चलो जाता हूं मैं, डिनर विनर करते हैं, ठीक है. गुड नाइट. गुड नाइट, बाय.